माई चैम्पियंस लॉन्ग टाइम अबाउट सेवन एट डेज हो गए मिले हुए हमको फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द सेशन वेरी वेरी वॉम गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून एवरीथिंग एंड खुश रहो और आज का सेशन शुरू होने से पहले इतना बता दूं कि एक तो आज शाम को साढ़े छः बजे एक सेशन आएगा नो अबाउट इंजीनियरिंग फ्रॉम आई आई टी प्रोफेसर हेयर अ प्रोफेसर ऑफ आई टी गुवाहाटी विल बी कमिंग लाइव विद यू एंड विल बी टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग फ्यूचर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग को कैसे परसीव करना चाहिए साइंस वर्सेस इंजीनियरिंग ऑल द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग सो डोंट फॉरगेट टू अटेंड दिस सेशन एंड दूसरी बात जो मुझे बहुत खुशी हो रही बताते हुए अगर आप यहां पे देख रहे होंगे 8.54 पॉइंट फाइव सब्सक्राइबर तो भैया अभी 30 करीबन 30 के फोर्टी डेज पहले 8 लैख सब्सक्राइबर हमने क्रॉस किए थे एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट बहुत जल्दी ही 8.54 पॉइंट हो गया है लेट अस मेक इट वन मिलियन वेरी सून तो अगर सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करो रेगुलर तैयारी करने के लिए और मैं बता दूं कि अगर आप ग्यारहवीं बारहवीं जहां भी अभी बैठे अभी, अभी कुछ बच्चे मैक्सिमम तो बारहवीं के होंगे पर कई बार ग्यारहवीं के बच्चे भी आते हैं कुछ एक्स्ट्रा सीखने के लिए होम पेज पर ही आपके लिए यहां पर प्ले बना दी गई है पहले आपको यहां पर इलेवंथ का फिजिक्स दिखेगा एंड देन यहां पर केमिस्ट्री आ जाएगा इलेवंथ का मैथ आ जाएगा एंड देन यहां पर ट्वेल्थ का मैथ्स आ जाएगा तो अगर आपको कोई पुराना चीज मिस हो गया तो आप यहां पे जाके डिटेल्ड सेशंस देख सकते हो और हां लास्ट मिनट रिवीजन आपको पूरा इलेवंथ अगर पांच छह घंटे में रिवाइज करना है तो उसके सेशन भी यहीं पे आपको मिल जाएंगे आप यहां से पूरा इलेवंथ एक गो थ्रू कर सकते हो फास्ट ताकि मेजर मेजर चीजें सब याद आ जाए अगर आपको थोड़ा डर लग रहा है कि कुछ चीजें भूल गई हैं राइट एंड uh, चलो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन लो भैया ये हमने ओपन की पीपीटी इसको किया प्ले पे और ये रही सेटिंग हमारी डन तो चलो आज का सेशन शुरू करते हैं इसी के साथ गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून बेटा खुश रहो खुश रहो गॉड ब्लेस यू तो आज हमने मैक्सिमम मिनिमा शुरू करना है दो सेशन लगेंगे आज मैक्सिमम मैक्सिमिन शुरू होगा कल खत्म कल मतलब नेक्स्ट सेशन में खत्म हो जाएगा एंड देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव विल बी कंप्लीटेड नेक्स्ट चैप्टर इज इन डेफिनेट इंटीग्रेशन मैं अभी से बता दूं इन डेफिनेट इंटीग्रेशन में फिर से डिफरेंशिएशन जो है स्टैंडर्ड वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए स्टैंडर्ड जो बेसिक डेफिनेशन डिफ्रेंशिएशन है एंड चेन रूल अगर किसी को भी डर है कि थोड़ा भूलता है उसकी फिर से तैयारी कर लो क्योंकि इनडेफिनट में फिर से डिफ्रेंशिएशन बहुत काम आने वाली है तो चलो आज का सेशन शुरू करते हैं गॉड ब्लेस यू दिव्यांशु एंड जैसा कि मैंने अभी कहा अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लो क्योंकि मेरा सपना है कि कुछ ही समय में सपना तो नहीं कह सकता बट हाँ कोशिश है कि मैक्सिमम बच्चों को हम पढ़ा पाए तो जितनी जल्दी यहां पे वन मिलियन होगा हमको भी और जोश आएगा और हमको भी लगेगा हम ज्यादा बच्चों को और अच्छी नॉलेज दे पा रहे हैं बेस्ट नॉलेज दे पा रहे हैं तो सब वे सर पर स्क्रिबल सब्सक्राइब करो फटाफट और जैसे आपके साथ हम यहाँ लगे रहते हैं ऐसी बहुत बड़ी टीम वेदांतों की बच्चों पर लगती है जिससे ऐसे रिजल्ट आते हैं वेदांतों पे अगर इस साल की बात करूं अभी दो अटैम्प्ट का रिजल्ट यहां लिखा है थर्ड अटैम्प्ट का रिजल्ट आने वाला है और थर्ड अटैम्प्ट पता ना एक बच्चे ने 295 आउट ऑफ 300 स्कोर किया है कल परसों उसका सेशन भी किया था बच्चे का हमने अनंत सर के साथ उसका एन टी एन में 230 स्कोर था एंड एन टी आउट ऑफ 300 स्कोर है सिर्फ एक क्वेश्चन फिजिक्स का उसका गलत हुआ तो अगर आपने वो सेशन नहीं देखा आप देख सकते हो रेफरेंस लेने के लिए कि कैसे आप अपनी तैयारी को पुश करते हो एंड की ओर जाकर ठीक है तो भैया सो मेनी गुड रिजल्ट इन जेई मेन एवरी वन इन टू स्टूडेंट ऑफ वेदांतू ऑफानीफाइज फॉर जेई एडवांस अठारह बच्चों का हंड्रेड परसेंट टाइल है इस बार अभी तक अभी थर्ड अटैम्प्ट का रिजल्ट अभी एड होना है राइट एंड लास्ट ईयर बताया था ना फाइव बच्चों ने जेई एडवांस में रैंक लेके आई गए थे तो अगर आपको भी लेना है ऐसा रैंक तैयारी करते रहो रुकना नहीं है थकना नहीं है आप इस तरह से पढ़ाई कर सकते हो ताकि आपका भी ऐसा अच्छा रैंक आए लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस अटेंड करो पोस्ट क्लास कंटेंट को अच्छे से सॉल्व करो जो कि बाय द वे आपको हार्ड कॉपी में ही डिलीवर हो जाएगा देन अपने जो टेस्ट है उसको रेगुलर दो टेस्ट नहीं मिस करने राइट Fortnightly टेस्ट होते हैं उसको रेगुलर दो मेन पैटर्न एडवांस पैटर्न डाउट सॉल्विंग आपको मिल जाती है आफ्टर क्लास और इन क्लास आपको पता है ना टीचर मॉडल रहता है एक टीचर पढ़ा रहे हैं डाउट भी ले रहे हैं साथ में और टीचर बैठे हैं जो सिर्फ मेक श्योर sure करें कि सारे के सारे डाउट आपके खत्म हो जाएं, राइट एंड ऑफ कोर्स पर्सनलाइज इंटरवेंशन ताकि थोड़ा बहुत डंडा आपका पेरेंट्स के भी बना रहे पीटीएम होती है टाइम टू टाइम राइट तो अगर आप भी इस पर जुड़ना चाहते हो तो फटाफट आप प्रो लाइट प्रो क्लासिक या प्रो प्लस में जुड़ जाइए आई विल रेकमेंड कि अगर आपने अभी तक कोचिंग शुरू नहीं किया तो आप सर्टेनली इसका वन मंथ ट्राई करो एंड यू विल अंडरस्टैंड कि कोचिंग से क्या निखार आता है प्रेपरेशन में राइट इसके डिफरेंट डिफरेंट फीचर रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप अफोर्डेबल जाना चाहते हैं या फीचर रिच जाना चाहते हैं लाइट में आपको बाई द वे सारी वो चीजें मिल जाती हैं जो कोचिंग में चाहिए होती हैं बट अगर आपको आफ्टर क्लास भी डाउट सपोर्ट चाहिए तो आप क्लासिक ले लीजिए

राइट right. तो अगर आप केवीपीवाई को टारगेट करते हो आप प्लस टू में हो तो केवीपीवाई आप देंगे तो उसके लिए आप क्रैश कोर्स लगा सकते हो इसके लिए रिकमेंडेशन मेरा यह रहेगा जिसकी तैयारी ट्वेल्थ की अभी बिल्कुल ठीक चल रही है वो इसको ज्वाइन करे जो अभी ट्वेल्थ में थोड़ा लैग है वो इसको ज्वाइन अभी ना करे क्योंकि इसका अपना भी लोड रहेगा केवीपीवाई अच्छे लेवल का होता है तो आप में से जिसका भी अभी ट्रैक बिल्कुल ठीक चल रहा है कोई लैग नहीं है तो वो बच्चे केवीपीआई का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपको पूरा कोर्स मिलेगा लाइव क्लासेस में पार्ट टेस्ट होंगे फुल टेस्ट होंगे एग्जैक्ट के, के पैटर्न में एंड ऑफ कोर्स असाइनमेंट्स मिलेंगी ताकि आप जो पढ़ रहे हो उसकी तैयारी करते रहो ठीक है किसको करना है जिसका ट्रैक पे चल रहा है वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं राइट इसका कॉस्ट बहुत कम हो गया है फोर थाउजेंड रुपीज का क्रैश कोर्स है जिसमें आपको पूरा के वीपीवाई एस एक्स की तैयारी कराई जाएगी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको पता है तो आप अपनी एस्पिरेशन के मुताबिक ज्वाइन कर लो बट तब जब आपका ट्रैक पे है सिलेबस ठीक है गॉड ब्लेस यू ऑल तो चलो अब हम फॉर्मली आज का सेशन शुरू करते हैं यस yes, थोड़े दिनों बाद मिले हैं हम एक्चुअली तुम्हारा भाई लास्ट वीक लास्ट वीक हो गया हाँ लास्ट वीक मैं लेह लद्दाख गया हुआ था तो बहुत तकरीबन साल सवा साल से मैंने छुट्टी नहीं ली थी तो पीछे मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं वो लेह लद्दाख का ट्रिप बना रहे थे तो हमने कहा चलो फिर अब छुट्टी ले लेते ले हैं चीजें ट्रैक पर चल रही हैं लैग भी नहीं है तो हम फिर पाँच छह दिन के लिए लेह लद्दाख घूम के आए वहां पे हमने काफी घूमा भी और कुछ जगह पे बैठ के प्लानिंग भी की मैंने सोचा हुआ था कि चार पाँच दिन घूमेंगे और एक दिन बैठ के प्लान करेंगे कि अब आगे बच्चों को कैसे कैसे पुश करना है क्या क्या करवाना है क्या क्या, क्या कोर्सेज लेके आने हैं राइट तो इस करके पाँच छह दिन तुम्हारा भाई थोड़ा एबसेंट था बट येस आई रियली लाइक द प्लेस ले लद्दाख अगर तुम में से कोई ले लद्दाख का है तो मुझे बता सकता है बट वैसे वहां देखा वहां पर अभी काफी डिवेलपमेंट होनी है बहुत बड़ी जगह है खुली खुली जगहें हैं शांत जगह है बिल्कुल आई रियली लाइक फोटोज अब कैसे दिखाऊं फोटोज चलो देखता हूं किसी सेशन में लेके आऊंगा बट फोटोज लेके कैसे आऊंगा वो तो कैमरा में है चलो कुछ शॉर्ट लिस्ट करके मैं यहां पे ओपन करके रख लूंगा एक दो सेशन के बाद ठीक है तो चलो ये रहा इस हफ्ते का पूरा शेड्यूल देख लो आप ताकि आप प्लान कर पाओ कि इस बार आपको क्या क्या करना है पंजाबी लेजेंड ओहो इज मोहित सर पंजाबी नो no, मोहित सर पंजाबी नहीं है मोहित सर इधर से थे किसी पहाड़ी एरिया से थे देहरादून से थे शायद मैं भूल गया किसी पहाड़ी एरिया से थे मैं भूल गया सो uh, so, देख लिया शेड्यूल पूरा मैक्सिम मिनिम वन यहां पे है पर मैक्सम टू यहां पे इस हफ्ते में एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पूरा खत्म होने वाला है ठीक है तो फटाफट देख लो शेड्यूल बना लो अपना कैसे कैसे आपको कब कब लगाना है डन ले लिया स्क्रीन शॉट वैसे आपको बाद में मिल ही जाएगा पूरा पीडीएफ तो आओ आज आके सेशन शुरू करते हैं बेटा मैक्सिम मिनिमा ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लास्ट टॉपिक है फ्रैंकली और आई विल से एक आधी चीज छोड़कर बाकी सब इजी रहता है एक दो चीजें बीच में ऐसी हैं जहां पे दिमाग लगेगा और वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि अब थोड़े से बेटा दिमाग के एंटीनास ओपन कर लो थोड़ा दिमाग लगने वाला है राइट right? सो so, आओ आ जाओ बेटा सो मैक्सिम मिनिमा वैसे तो नाम ही बता रहा है बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू बस एक छोटे से फिगर से मैं एक दो टर्म्स क्लियर करूंगा ताकि आपको कोई टर्म्स बेसिक मीनिंग दिमाग में आ जाए फिर फॉर्मली चैप्टर को शुरू करेंगे तो देखो बेटा मान लो ऐसा एक फंक्शन है एक फंक्शन है मान लो ओके okay. सिर्फ एक बेसिक टर्म क्लियर कर रहा हूं और फिर मैं आपको फॉर्मली इस टॉपिक की ओर बढ़ाऊंगा सबसे पहली बात करें यार जो वैल्यू ना अपने नेबरहुड में बड़ी होती है नेबरहुड यानी कि जस्ट लेफ्ट वैल्यू और जस्ट राइट वैल्यू इन दोनों से बड़ी होती है उसको कहते हैं मैक्सिमा 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 कह दो या लोकल मैक्सिमा कह दो दोनों का मतलब सेम ही है तो ऑब्वियसली बात है ये वैल्यू भी अपने नेबरहुड में बड़ी है नेबरहुड का मतलब क्या फिर से बता दूं जस्ट लेफ्ट वाली वैल्यू जस्ट राइट वाली वैल्यू ये वाली वैल्यूज राइट right? तो ये भी आपका क्या है मैक्सिमा और जो वैल्यू अपने नेबरहुड में छोटी होती है उसको मिनिमा कह देते हैं जैसे कि ये वैल्यू ये अपने नेबरहुड में छोटी है जस्ट राइट लेफ्ट वैल्यू से छोटी है तो इसे कह देते हैं मिनिमा तो पहली बात तो मैक्सिमम मिनिमा का बेसिक मीनिंग तो क्लियर हो गया नेबरहुड में बड़ा नेबरहुड में छोटा अब बात करें इसी टॉपिक में जो आगे आने वाला है आगे टॉपिक आएगा मैक्सिमम मिनिमम स्पेलिंग का फर्क क्लियर है मैक्सिमा था मैक्सिमम है मिनिमा म था मिनिमम है मैक्सिमम मतलब ओवरऑल सबसे बड़ी वैल्यू तो डू यू एग्री ये पॉइंट जो ये वैल्यू जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है ये मैक्सिमा भी है ये मैक्सिम भी है और सिमिलरली ये ये वैल्यू मिनिमम वैल्यू है ये मिनिमा भी है मिनी मम भी, भी है तो पहली बात इस चैप्टर में जो चार टर्म्स यूज होनी है मैंने आपको चारों टर्म्स का मतलब बता दिया है मैक्सिमा मैक्सिमम मिनिमा मिनिमम अब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ चलो अब सेशन शुरू करते हैं सबसे पहले आता है इस चैप्टर में क्या पढ़ना है वही जो चार चीजें मैंने आपको बताई लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा या सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा दोनों का मतलब सेम ही है लोकल नहीं भी लगाओगे तो भी अंडरस्टूड है ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा ग्लोबल मैक्सिमा किसी और को नहीं मैक्सिमम को कहते हैं और ग्लोबल मिनिमा किसी और को नहीं मिनिमम को कहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको यह तो पता लग गया कि इस, इस टॉपिक में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है सिर्फ चार चीजों को पढ़ना है किस किस को समझ आता है कि अगर आप किसी चीज का रफ डायग्राम रफ फिगर बना लेंगे तो आप आराम से कमेंट कर पाएंगे कि क्या मैक्सिमा है क्या मिनिमा है या ओर नो किस किस को समझ आता है अगर आप एक रफ फिगर बना लेंगे तो किस किस को दिखता है कि हाँ यार आराम से बता देंगे क्या मैक्सिमा क्या मिनिमा ये फिगर से तो बनाया मैंने और हमने लास्ट सेशन में जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़े थे तो हमने बहुत सारे रफ ग्राफ बनाए थे रफ ग्राफ क्या है फंक्शन ऊपर गया गया नीचे दैट्स इट राइट तो इस चीज को दिमाग में रखना ये आज काम आएगा कुछ देर के बाद आ जाओ तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको बताया उसका फॉर्मल डेफिनेशन मैक्सिमा मिनिमा एफेक्ट is said to have local maxima at x equal to a if value of function at a is greater than or equal to the values of function in neighborhood of a आम भाषा में बोल तो अपने नेबरहुड में बड़ा होना चाहिए सर यहां पे इक्वल भी लिखा है इसका मतलब क्या इक्वल का सिनेरियो कहां से आता है इक्वल इक्वल का सिनेरियो ऐसे आता है मान लो आपका फंक्शन ऐसा है ये पहले बड़ा 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 और फिर कांस्टेंट हो गया तो ये जो वैल्यू है ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमा है ठीक है इस पॉइंट पे भी मैक्सिमा आ रहा है इस पॉइंट पे भी मैक्सिमा आ रहा है इस पॉइंट पे भी मैक्सिमा आ, आ रहा है तो अपने नेबरहुड में या तो बड़ी या बराबर दोनों हो सकती है गॉट इट सिमिलरली अगर हम बात करें मिनिमा की सेम मीनिंग जो अपने नेबरहुड में छोटी हो या बराबर हो पर सर अगर फंक्शन कांस्टेंट हुआ फिर क्या करेंगे अगर मेरा फंक्शन है ही ऐसा ये है मेरा फंक्शन तो ये जो वैल्यू है इसको एल कह देते हैं इसको मैक्सिमा कहेंगे या मिनिमा कहेंगे बेटा ये दोनों है इस केस में ये मैक्सिमा भी है ये मिनिमा भी है क्योंकि कोई भी वैल्यू जो है वो अपने नेबरहुड से बराबर है तो अगर वैल्यू जो है वो मैक्सिमा भी है हर जगह मिनिमा भी है इसका मतलब फंक्शन कांस्टेंट होगा तो आपको बेसिक से मीनिंग तो क्लियर हो गए तो जैसा कि मैंने बताया लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का अगर कंबाइन कंबाइंड वर्ड ढूंढे कंबाइंड वर्ड तो वो लोकल एक्सट्रीम होता है तो कभी आपको वर्ड दिखे ना फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज तो मतलब वो कह रहा है मैक्सिमा बताओ मिनिमा बताओ ज्यादा टाइम ना पास करो आगे चलो बस कॉमन वर्ड है लोकल एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम वैल्यूज ठीक ओके तो ग्लोबल मैंने बताई दिया सबसे बड़ी वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू वो ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम और कुछ भी नहीं इसमें खास तो अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर का भैया चीजों को फाइंड कैसे करना है ग्राफ बना के तो चल पाऊंगा पर कई बार ग्राफ नहीं बनेगा तो क्या करेंगे तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स ठीक है बिगिनिंग में तो नहीं पर थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि क्रिटिकल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जो कि इसका नाम ही है क्रिटिकल पॉइंट ठीक डेफिनेशन क्या है क्रिटिकल इन इंटरवल ए टू बी हमें एक फंक्शन दिया जाएगा और कहा जाएगा इसके इस इंटरवल में क्रिटिकल पॉइंट बताइए क्रिटिकल पॉइंट कुछ और नहीं वो पॉइंट होते हैं जहां पे डेरिवेटिव या तो जीरो हो जाए या अनडिफाइंड हो जाए उन पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट कह देते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये इट इज टू बी नोटेड दैट क्रिटिकल पॉइंट्स आर इंटीरियर पॉइंट ऑफ एन इंटरवल मतलब कि जब क्रिटिकल पॉइंट की बात करी जाएगी आप इंटरवल के अंदर के पॉइंट की बात करेंगे एंड पॉइंट की बात नहीं करेंगे जैसे कि अगर यहां बात करूं ये मान लो ए है और ये बी है और फंक्शन मेरा कुछ इस तरह का है ऐसे b पे डेरिवेटिव जीरो है ठीक है b पे डेरिवेटिव जीरो है फ्लैट हो गया यहां पे ये वाला पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होगा यहां पे डेरिवेटिव जीरो है ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होगा यहां पे डेरिवेटिव जीरो है बट b क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा डेरिवेटिव तो जीरो है बट वो एंड पॉइंट आ गया इंटरवल के एंड पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट नहीं गिनते बाय डेफिनेशन ठीक

तो देखो बेटा लो जरा मुझे बताओ किस जगह पे मैक्सिमा आ रहा है किस पॉइंट पे मैक्सिमा आ रहा है जरा बताओ किस पॉइंट पे मैक्सिमा आ रहा है ए बी सी डी ई किस पॉइंट पे मैक्सिमा आ रहा है जरा बताओ सर बी पे आ रहा है मैक्सिमा और कहां पे आ रहा है और कहीं पे आ रहा है मैक्सिमा देखो सर डी पे आ रहा है बी और डी पे आ रहा है यहां पे भी जो वैल्यू है वो अपने नेबरहुड से बड़ी है और ये भी जो वैल्यू है अपने नेबरहुड से बड़ी है क्या तुम देख पा रहे हो बी और डी दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स हैं यहां पे डेरिवेटिव जीरो है और यहां पर डेरीवेटिव अनडिफाइंड है शार्प पॉइंट आ रहा है देख पा रहे हो बिल्कुल सर बात तो सही है अब मिनिमा कहां पे आ रहा है अगर मैं ए और ई e के अंदर पूछूं, मिनिमा कहां पे आ रहा है सर सी पे आ रहा है मिनिमा देख पा रहे हो यहां पे एफ डैश जीरो है यानी कि मैक्सिमा मिनिमा क्रिटिकल पॉइंट्स पे आ रहे हैं तो क्रिटिकल पॉइंट क्रिटिकल है पर अगर गेम इतनी आसान हो जाए तो मजा ही नहीं आएगा सर मतलब मेरा मतलब है अब यह डायग्राम देखो ऐसे इस डायग्राम में देखो जरा डू यू एग्री के बी पर डेरिवेटिव जीरो है फ्लैट ग्राफ बी पर डेरिवेटिव जीरो है और क्या बी पे मैक्सिम मिनिमा ja कुछ भी आ रहा है आर यू गेटिंग एनीथिंग अपॉन बी या मिनिमा नो सर बिल्कुल भी नहीं ये वैल्यू अपने लेफ्ट से तो बड़ी है बट अपने राइट right से छोटी है अपने राइट right से छोटी है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हर एक क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा आ ही जाएगा तो लेट मी कंक्लूड सो कंक्लूजन इज मैक्सिमा मिनिमा जब आएंगे तो वो क्रिटिकल पॉइंट्स पे आएंगे बट यस yes, कुछ क्रिटिकल पॉइंट ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे कुछ ना आए तभी यहां पे लिखा गया है क्रिटिकल पॉइंट आर कॉन्टेंडर फॉर मैक्सिमा मिनिमा कंटेंडर है इनमें से किसी पे आएगा पर सब पे आए ये जरूरी नहीं है तो धीरे धीरे इसको और एक्सप्लोर करेंगे अभी चलते हैं आगे। आ जो बेटा, Let's example critical points. पहले critical point ले, सीख तो इंटरवल दिया हुआ साथ में नहीं दिया हुआ जब भी इंटरवल नहीं दिया होता है, by default इसका मतलब होता है पूरे रियल में ठीक है जब भी इंटरवल नहीं दिया होगा तो मतलब पूरे रियल में बताओ कहां कहां पे क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं बाय डिफॉल्ट पहला क्वेश्चन कहता क्रिटिकल पॉइंट बताओ ठीक है डेरिवेटिव निकाल देते हैं देख लेते हैं क्या आ रहा है एफ क्या आ रहा है बेटा इसका जरा देखो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स एफ डैश अनडिफाइंड तो कहीं नहीं हो रहा पर जीरो कहां कहां हो रहा है सर जी जीरो हो रहा है टू और थ्री पे एफ इज जीरो फॉर टू एंड थ्री टेल मी इज टू अ क्रिटिकल पॉइंट टेल मी नाउ आई पहले ही पकड़ दिया इज टू अ क्रिटिकल पॉइंट नो सर टू क्रिटिकल पॉइंट नहीं है क्योंकि वो इंटरवल का एंड पॉइंट है बाय डेफिनेशन क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ उन्हीं को लेना है जो इंटरवल के अंदर हो तो इसे आप करोगे क्रॉस और ये आपका एक्सेप्ट सो ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट दैट इज एक्स इक्वल टू थ्री तो ये छोटी सी बात है बट बहुत पते कि दिमाग में रखना क्रिटिकल पॉइंट हमेशा इंटरवल के अंदर ही लेने हैं, बाहर नहीं और एंड पॉइंट नहीं लेने हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं फाइंड क्रिटिकल है हैं देखते हैं क्या बनता है प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं एक्स माइनस टू रेस टू पा टू बाई थ्री इंटू टू प्लस टू एक्स प्लस वन टू बाई थ्री इसकी पावर माइनस वन बाई थ्री तो नीचे आ गया एक्स माइनस टू वन थ्री

और जीरो कहां पे हो रहा है जहां पे ये न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा तो दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए यहां से एक आ गया जब ये चीज जीरो होगी उस एक्स पे एफ डैश जीरो और एक आएगा जहां पे ये जीरो हो जाएगा उस पॉइंट पे एफ डैश अनडिफाइंड सो दो क्रिटिकल पॉइंट आए यहां पे। टू एंड माइनस हाफ नो बेटा गलत कैलकुलेशन वन एंड टू आ रहा है माइनस हाफ नहीं आ रहा ऋषिक रॉन्ग कैलकुलेशन ध्यान से करो वन एंड टू आ रहा है तो दो क्रिटिकल पॉइंट आए वन और टू वन पे डेरिवेटिव जीरो टू पे अनडिफाइंड शाबाश वेरी गुड तो क्रिटिकल पॉइंट का बेसिक आइडिया लगा सर क्रिटिकल पॉइंट पे कोई अच्छा सवाल बन सकते हैं तो बड़ा बेसिक सा सवाल था हाँ बेटा एक अच्छा सवाल भी बन सकता है आओ पहले उसका बेस बना दूं अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार आ, ए जो है ना ए टू ए वो ना कॉज एक्स के बराबर आना ही चाहिए किसी ना किसी एक्स के लिए तो बताओ टू ए कहां पर लाई करेगा मैं बोलूं कि टू ए इक्वल टू कॉज एक्स होना चाहिए फॉर सम एक्स तो बताओ टू ए कहां से कहां पे होना चाहिए सर है माइनस वन से वन गलती कर गए माइनस वन से वन इसको कॉज एक्स के बराबर होना है तो ये कॉज एक्स की रेंज में होना चाहिए जैसे कि अगर टू ए जो है फाइव बन जाए तो क्या फाइव कॉज एक्स के बराबर हो सकता है फॉर सम एक्स नो सर फाइव कॉज एक्स के बराबर किसी भी एक्स के लिए नहीं हो सकता तो पक्की बात है ये चीज अगर माइनस वन से वन में होगी तो ही कॉज एक्स के बराबर हो पाएगी तो ए आ गया माइनस हाफ से हाफ सर ये बेसिक सा कंसेप्ट आपने क्यों बताया अगले सवाल में देखो आपको चमकेगा कि मैंने क्यों इसको हल्का सा यहां पे इंफेसाइज किया सवाल क्या कहता है फाइंड ए सो दैट दिस फंक्शन प्रोजेस क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं कि इसका क्रिटिकल पॉइंट आना ही चाहिए ए बताओ मतलब कि एफ डैश जीरो होना ही चाहिए ए बताओ हमने एफ डैश निकाला तो ये बना कॉज एक्स माइनस टू टाइम ए माइनस वन अनडिफाइंड तो ये हो नहीं सकता राइट अनडिफाइंड तो ये हो नहीं सकता तो मतलब इसको जीरो होना ही पड़ेगा क्रिटिकल पॉइंट आना ही चाहिए क्रिटिकल पॉइंट आना ही चाहिए कहता तो मैंने कहा ये जीरो होना ही चाहिए इट शुड बी जीरो फॉर सम एक्स दिस इज वट आई वॉन्ट डू यू ऑल एग्री दिस इज वट आई वॉन्ट एग्जैक्टली exactly. तो बेटा यहां से 2 into a 1 जो है वो cos x के बराबर आना ही चाहिए फॉर सम x अब ये चीज cos x के बराबर कब आ पाएगी जब ये चीज -1 से 1 में होगी तो ही ये cos x के बराबर आ सकती वरना cos x के बराबर आ ही नहीं सकती अब यहां से a निकाल लो यार -1/2 हाँ, a 1 1/2 ऐड कर दिया हाफ से लेकर थ्री बाय टू आपने बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चों वेरी गुड अप्रूफ एग्जैक्टली सो इस तरह से थोड़ा बहुत खेल सकते हैं वो आपके साथ यहां पे क्रिटिकल पॉइंट पूछा नहीं बोला कि क्रिटिकल पॉइंट आना चाहिए ए पूछ लिया शाबाश सो so, ये रहा आपका एक थोड़ा सा अच्छा सवाल थोड़ा सा राइट right? अब आगे चलते हैं पॉइंट एट विच एफ डैश इज जीरो इन पर्टिकुलर इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट दो तरह से आते हैं एफ डैश जहां जीरो हो जाता है या एफ डैश जहां पे अनडिफाइंड जहां एफ डैश जीरो होता है ना उसको इन पर्टिकुलर स्टेशनरी पॉइंट भी कह देते हैं तो कभी अगर सवाल में स्टेशनरी पॉइंट पूछा हो तो डरना नहीं खुश हो जाना सिर्फ एफ को जीरो करके जो एक्स आ रहा है वो आपका स्टेशनरी पॉइंट है स्टेशनरी पॉइंट ऑफ एफ दिस पूछ रहा है एफ डैश जीरो कहां पे है डू यू ऑल एग्री पूछ रहा है कि एफ डैश जीरो कहां पे है तो आपने एफ डैश एक्स निकाला वो आ गया ई e पार x माइनस ई पार माइनस एक्स और इसको जीरो रख दिया यहां से जो x आएगा वही आपका आंसर है सीधे भी दिख रहा है x इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई कर रहा है या फिर आप इसको ऐसे लिख लो ऐसे और यहां से आपको दिख जाएगा x इक्वल टू जीरो तो इसका एक ही स्टेशनरी पॉइंट है x इक्वल टू जीरो ठीक है जी जीरो पे वैल्यू क्या आ रही है अगर पूछे तो वन प्लस वन टू तो जीरो कॉमा टू आप कह सकते हैं इसका स्टेशनरी पॉइंट है तो आंसर क्या आ गया जीरो कॉमा टू दिस इज द पॉइंट जो कि स्टेशनरी है यहां पे डेरिवेटिव जीरो आ रहा है गॉड ब्लेस यू बेटा खुश रहो ठीक है तो बेसिक से टर्म क्लियर हो गए

हम दो टेस्ट करने वाले हैं बेटा दो तरीके पढ़ने वाले हैं जिसे मैक्सिमम मिनिमा निकलेगा एक होगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एक ये पढ़ेंगे हम जिससे हम मैक्सिमम मिनिमा पे कमेंट करेंगे और दूसरा होगा डबल डेरिवेटिव टेस्ट जिससे हम मैक्सिमा मिनिमा पे कमेंट करेंगे डेरिवेटिव टेस्ट जो क्रिटिकल पॉइंट है उनका रोल यहां पे आएगा यहां पे आएगा क्रिटिकल पॉइंट्स का रोल कहने को क्रिटिकल पॉइंट का रोल यहां भी आता है बट मैं सजेस्ट करूंगा यार फर्स्ट डेरिवेटिव रफ ग्राफ बना लेना वो सबको आते ना रफ ग्राफ बनाने बेसिक से एक रफ ग्राफ बना लेना पता लग जाएगा मैक्सिमा कहां है मिनिमम कहां पे है, है क्यों ज्यादा चीजों को घुसाना है एनी हाउ डेरिवेटिव निकलेगा तो हम ये तो देखेंगे ही देखेंगे कि डेरिवेटिव पॉजिटिव कहां पे है नेगेटिव कहां पे है जीरो कहां पे है अनडिफाइंड कहां पे है इतना कुछ देखना ही है तो रफ ग्राफ बना के आंसर दे दो क्यों चीजों को याद करना है राइट right? यहां पे थोड़ा मेथड आएगा वहां थोड़ा याद कर लेंगे ठीक है वहां पर याद कर लेंगे तो आओ पहले इसको देखते हैं इसको मद्देनजर रखते हुए आगे पढ़िए फॉर अ कंटिन्यूस फंक्शन इफ एफ डैश चेंजेस अ साइन अबाउट अ क्रिटिकल पॉइंट देन वी हैव अक्सिमा और मिनिमा देर अच्छा जिस क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट एफ डैश का साइन चेंज हो जाए यानी कि पहले पॉजिटिव था बाद में नेगेटिव हो जाए पहले नेगेटिव था बाद में पॉजिटिव हो जाए उस पॉइंट पर मैक्सीमा जब मिनिमा आता है मैं याद नहीं करता एक काम करते हैं। सवाल में लगा के देखते हैं रफ ग्राफ बना के वहीं से ऑब्जर्व कर लेंगे क्या हो रहा है राइट वहीं से ऑब्जर्व करते हैं आ जाओ कितनों को याद है जब हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा था वहां पे भी मैंने इस पर बहुत फोकस किया था कि फंक्शन जुड़ा हुआ है या टूटा हुआ है इसे बहुत फ़र्क पड़ता है किस किस को याद है बता दो आज हैंडसम दिख रहे हैं सर जी और तेरी और बनाती पुत्र वैसे मैंने बाल कटाए वैसे बाल सफ़ेद हो गए कुछ करना पड़ेगा यार मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी अपनी कॉस्मेटिक वैल्यू बढ़ाई जाए ग्लैमर को बढ़ाया जाए थोड़ा हेयर कलर कर लिया जाए फिर सोचता हूँ कौन हर हफ्ते हर महीने कलर करेगा इस करके सुस्ती डाल देता हूं यार मुझे बताना कमेंट्स में डू यू वॉन्ट मी टू हेयर माई कलर वह तो बड़ा अजीब सा सवाल है पूछने के लिए बस इतना पूछ रहा कि तुमको इस चीज़ से फर्क पड़ता है कि तुमको जो पढ़ा रहा है उसके बाल काले हैं या सफेद हैं इससे फर्क पड़ता है क्या आ जाओ सो आओ सवालों में देखते हैं क्या होता है चीजों में ठीक है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ऑफ मिनिमा दिस सबसे बेसिक सबसे क्यूबिक एक ऐसा ग्राफ जो हम बहुत बार बना चुके हैं एक बार फिर से बनाते हैं देखते हैं क्या हो रहा है बिल्कुल ध्यान से सुनना जो नया बच्चा भी है वो भी ध्यान से सुनकर समझ सकता है ओके okay? टेंशन नहीं नहीं अगर लास्ट क्लास नहीं भी लगाई थी तो भी यहां पे समझ आ जाएगा ये रहा मेरा फंक्शन माइनस एक्स क्यूब प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस फाइव। कहते हैं बताओ ठीक है मैं भाड़ में गया मैं तो रफ फिगर बनाऊंगा मैंने एफ डैश निकाला माइनस थ्री एक्स स्क्स ट्वेल्व माइनस थ्री एक्स माइनस फोर तो एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू ओके अब सारे यहां पे ध्यान दो मैंने f डैश देख लिया कहां पे नेगेटिव है कहां पे पॉजिटिव है ये रहा f डैश तो मुझे वेवी कर्व से पता है कि कहां कहां पे नेगेटिव पॉजिटिव होता है बी केयरफुल यहां माइनस लगा हुआ है तो अब यहां पे प्लस नहीं माइनस से शुरू होगा माइनस प्लस माइनस तो मुझे पता है कि एफ डैश कहां पर पॉजिटिव है कहां पर नेगेटिव है अब तुम तो मुझे बताओ तुम तो मुझे बताओ जो मेरा फंक्शन है वो माइनस टू से पहले डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है जो मेरा फंक्शन है वो माइनस टू से पहले डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है एफ सफेद बाल एक्सपीरियंस दिखाते हैं सर चक दे एवरीबडी शाबाश <laughs> डिक्रीज कर रहा है बिल्कुल सर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो एफ जो है वो नीचे की ओर जाएगा ठीक है बेटा तो माइनस टू सेट टू में बताओ माइनस -2 टू से 2 में बताओ फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज एफ डैश यहां पे पॉजिटिव है तो एफ जो है यहां पे इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा सर यहां पर डिक्रीज तो अगर मुझे पता है फंक्शन कहां नीचे जा रहा है कहां ऊपर जा रहा है तो रफ ग्राफ बना दो यार फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा फंक्शन का माइनस टू तक वो नीचे जाता जाएगा नीचे आता जाएगा किस एक्स तक माइनस टू तक माइनस टू कॉमा इस पे एफ की वैल्यू भी लिख दूं एफ ऑफ माइनस टू जो भी होगा तो मुझे निकाल के बता देना उसके बाद सर फंक्शन टू तक ऊपर जाता है एक्स इक्वल टू टू तक ऊपर चला गया लो जी टू और कुछ इस पे एफ आ जाएगा एफ ऑफ टू और सर उसके बाद फिर नीचे जा रहा है लो सर जी नीचे चला गया तुम्हें लगता है कि मुझे किसी भी टेस्ट की जरूरत है बताने के लिए कि मैक्सिमा और मिनिमा कहां पे आ रहे हैं नो सर मिनिमा आ रहा है एट एक्स इक्वल टू माइनस टू और मैक्सिमा आ रहा है एट कोई टेस्ट की जरूरत ही नहीं है एफ डैश का साइन चेंज फलाना दिखाना क्यों भैया डायग्राम बनाओ सब दिखता है अगर मैं आपसे पूछूं अब जरा टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना टर्मिनोलॉजी पे अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे मिनिमा पॉइंट बताओ किस पॉइंट पे मिनिमा आ रहा है तो आप कहेंगे सर जी एक्स इक्वल टू माइनस टू पे मिनिमा आ रहा है पर अगर मैं आपसे मिनिमा वैल्यू पूछूं तो क्या बोलोगे सर ये रही मिनिमा वैल्यू पॉइंट क्लियर एक होता है पॉइंट एक होता है वैल्यू तो अगर वो आपसे बोले वैल्यू बताओ तो आपने एफ एफ माइनस टू बता देना है और अगर वो आपसे पूछे पॉइंट बताओ तो आपने यह बता देना है मिनिमा पॉइंट या पॉइंट ऑफ मिनिमा बेसिकली पॉइंट ऑफ मिनिमा बोला जाता है माइनस इलेवन आ रही बच्चा कह रहा रहे जो भी आ रही है वो आप निकाल सकते हो आराम से सो पॉइंट ऑफ मिनिमा मिनिमा वैल्यू पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मैक्सिमा वैल्यू तो याद रखिएगा पॉइंट होता है एक्स का वैल्यू और वैल्यू होती है वाई की वैल्यू शाबाश तो ये आ गया बेसिक ग्राफ ओके अगला सवाल देखो प्रूव दैट दिस हैज नो एक्सट्रीमम ऐसे कब होगा जरा बताओ ऐसा कब होगा कि कोई मैक्सिमा मिनिमा आ ही नहीं रहा कैसे होगा ये बताओ जरा चैट में कि कोई मैक्सिमा मिनिमा आए ही नहीं क्रिटिकल पॉइंट की बात नहीं करते या क्रिटिकल पॉइंट की बात नहीं करेंगे मैं क्रिटिकल पॉइंट अभी यूज नहीं करूंगा जहां पर जरूरत लगेगीवल टू जीरो नॉट नो सोल्यूशन एंड ऑलवेज डिफाइंड ये भी ठीक है ये भी ठीक है मैं थोड़ा सा इससे एक स्टेप आपको आगे लेके जाना चाहूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप रफ डायग्राम पे जोर करें रफ डायग्राम पे जरा ध्यान से देखो ये जो क्वेड्रेटिक आपको दी हुई है पहले तो थ्री कॉमन निकाल लो एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस नाइन तुम देख पा रहे हो इस क्वाड्रेटिक में तुम्हारा ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है क्या देख पा रहे हो A आ रहा है फोर और डी क्या आ रहा है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी नाइनटीन लेस देन इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो आ रहा है जब भी ए पॉजिटिव होता है और डी लेस देन या इक्वल टू जीरो होता है तो वो क्वाड्रेटिक क्या होता है वो क्वाड्रेटिक क्या होता है वो क्वाड्रैटिक ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल एक्स यस ओ नो वैसे वे देखो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट तो गए जो तुम कह रहे थे बट अगर आप डायग्राम से चलोगे फिगर से f डैश ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव मतलब फंक्शन ऊपर ही जाता जा रहा है ऊपर ही जाता जा रहा है ऊपर ही जाता जा रहा है तो अगर फंक्शन ऊपर ही जाता जाएगा तो क्या उसमें कोई मैक्सिमम मिनिमा आएगा क्या उसमें कोई मैक्सिमम मिनिमा आएगा बताओ जरा अगर फंक्शन ऊपर ही जाता जाएगा तो क्या उसमें कोई मैक्सिम मिनिमा आएगा नो सर तो ये ग्राफ ऐसा है एक जगह पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा है बट मैक्सिमम मिनिमा नहीं आ रहा क्रिटिकल पॉइंट तो है बट मैक्सिमा मिनिमा नहीं आ रहा थ्री बाय टू पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा है बट मैक्सिमा मिनिमा नहीं आ रहा अब मैं मुड़कर पीछे लेके जा रहा हूं पॉइंट पे अब ध्यान से दिमाग में बिठाना ठीक है एफ डैश चेंज साइन एट अ क्रिटिकल पॉइंट देन वी हैव मैक्सिमा और मिनिमा ध्यान से देखो यहां पे माइनस टू पे एफ डैश का साइन चेंज हुआ था टू पे भी एफ डैश का साइन चेंज हुआ था इसी करके यहां पे मैक्सिमा मिनिमा आकर किए मैक्सिमा मिनिमा आए इस इसके थ्री बाय टू पे एफ डैश का साइन चेंज ही नहीं हुआ एफ डैश पॉजिटिव ही चलता गया इधर भी एफ डैश पॉजिटिव इधर भी एफ डैश पॉजिटिव इस करके मैक्सिमा मिनिमा नहीं आए आ गया नजारा पॉइंट टेकन समझ आ गया अब या तो थेटिकली याद कर लो या फिर एक रफ डायग्राम बना के कर दो राइट जाओ लेट एक्स इक्वल टू सी बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ इंटरवल एट विच एफ एक्स मैक्स इज डिफ्रेंशियबलो ये कितनों को चमकता है देखो जरा कितनों को चमकता है कहता अगर एक पॉइंट है इंटरवल के अंदर जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा है और फंक्शन डिफ्रेंशियबल भी है तो पक्की बात है डेरिवेटिव तो जीरो ही होगा मिनिमा किस पे आते हैं अगर आते हैं सर जी क्रिटिकल पॉइंट पे आते हैं क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं यहां पे डेरिवेटिव जीरो हो जाए या अनडिफाइंड हो जाए अनडिफाइंड तो है नहीं गिवन है फंक्शन डिफ्रेंशियबल है तो डेरिवेटिव क्या होगा जीरो चमक गया तो अगर किसी पॉइंट पे मिनिमा आ रहा है और मेरा फंक्शन डिफ्रेंशियबल है तो डेरिवेटिव पक्के से जीरो होगा इस बेसिक से पे जेई मेन में क्वेश्चन आ चुका है एक पहले ऐसा करेंगे फिर इसका जेई मेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे वैल्यू ऑफ ए फॉर विच फंक्शन दिस हैज एन एट पाई उसने ये नहीं बोला मैक्सिमा या मिनिमा क्या है बट एक्सट्रीम है या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है कुछ तो है इट्स अ डिफरेंशियबल फंक्शन साइन एक्स साइन थ्री एक्स डिफरेंशियबल है तो अगर पाई बाय थ्री पे एक्सट्रीम वैल्यू आ रही है तो पक्की बात है एफ डैश एट पाई बाई थ्री शुड बी जीरो चमक गया शुड बी जीरो तो एफ डैश एक्स क्या है ए cos एक्स प्लस वन बाई थ्री कट गया कितना आ गया कॉस थ्री एक्स इक्वल टू जीरोक्वल टू पाई बाई थ्री एट एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री पाई बाय थ्री पुट करके ए निकाल दो ये बन गया a इंटू हाफ प्लस कॉस पाई इक्वल टू जीरो की वैल्यू आ गई टू और टू टू थ्री नहीं टू आएगा यहां पे थ्री कट गया बेटा साइन थ्री एक्स डेरिवेटिव होता है कॉस्ट थ्री एक्स इंटू थ्री चेन रूल मत करना और इन टू वन बाई थ्री भी था अंकित कुमार सिंह नो मैटर वॉट आरबिन थैंक यू जी थैंक यू गॉड ब्लेस यू आज इधर राइट अब ये इसका जेई मेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था 2014 में उसने दो पॉइंट दे दिए कि -1 एंड 2 पे एक्सट्रीम वैल्यूज आ रही हैं इफ -1 एंड 2 आर एक्सट्रीम पॉइंट्स एक्सट्रीम पॉइंट मतलब यहां पे एक्स्ट्रीमा आ रहे हैं या मैक्सिमा या मिनिमा भरने का जो मर्जी हो बट आ रहा है कुछ ना कुछ तो पक्की बात है इसका जो डेरिवेटिव है -1 और 2 पे जीरो होना चाहिए तो आपने f'x निकाला अल्फा अपॉन x टू बीटा एक्स प्लस वन इसकी वैल्यू माइनस वन पे जीरो होनी चाहिए एंड इसकी वैल्यू टू पे जीरो होनी चाहिए क्योंकि माइनस ऑन टू दोनों ही मेरे एक्सट्रीमम वैल्यूज़ हैं तो यहां से इक्वेशन क्या बनी माइनस वन पुट कर दो माइनस अल्फा माइनस टू बीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो और यहां से इक्वेशन क्या बन गई टू पुट कर दो अल्फा बाय टू प्लस फोर बीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो और मेरे हिसाब से यहां से अल्फा और बीटा तुम सोए सोए भी निकाल दोगे निकाल दोगे ना भाई पड़ोसियों की मदद तो नहीं चाहिए होगी निकाल दोगे आराम से और बेस यू आर्यन खुश रहो निकाल दोगे आई शाबाश तो जैसे आप इन दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपके पास अल्फा टू और बीटा माइनस वन बाई टू आ जाएगा काम खत्म तमाम यस कोर्स बेटा ये आपको आसान लग रहा है क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू आ रही है और ये डिफरेंशियबल है तो डेरिवेटिव जीरो ही हो सकता है जब पहली बार आया था तो थोड़ा सोचना पड़ा था बच्चों को कि इस पर एक्सट्रीम वैल्यू है तो फिर हम क्या कह सकते हैं तुमको तो सोच के दिमाग में आया था कि एक्सट्रीम वैल्यू है तो पक्की बात है क्रिटिकल पॉइंट पर आ रही होगी क्रिटिकल पॉइंट है तो पक्की बात है डेरीवेटिव या तो जीरो या अनडिफाइंड होगा डिफरेंशियबल फंक्शन है तो अनडिफाइंड तो हो नहीं सकता तो डेरीवेटिव ज़ीरो होगा आयशाबाश नाउ दैट वी अंडरस्टूड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सा मिनिमा अब थोड़े बेटा एंटीना खड़े होने का टाइम आ गया मैंने आपको बिगनिंग में कहा था कि थोड़े से टाइम के बाद थोड़ा अच्छा सवाल करना पड़ेगा जहां पे थोड़ा सा दिमाग और लगाना पड़ेगा जहां पे शायद आपको एक कदम आगे चल के एफर्ट थोड़ा और बढ़ाना पड़े तो अब वो सवाल आ रहे हैं दो तीन सवाल है जहां पे आप हर एक सवाल में कुछ ना कुछ खूबसूरती तुमको दिखेगी तो उस खूबसूरती को तुमने पकड़ लेना ध्यान से लव यू टू बेटा आ जाओ पहला सवाल देखो उससे पहले अपने आपको याद दिला दो बेटा लिख दो चैट में दिस इज वट यू विल गेट लिख दो वी विल गेट गुड रैंक सर वी विल गिव आर बेस्ट लिख दो लिख दो वी विल गिव आर बेस्ट सर जैसे रैंक इस बार ये वेदांतों के बच्चों के आए हैं अगली बार हमारे आएंगे लिख दो फटाफट शाबाश ऐसे ही रैंक हम लेंगे सर 99 परसेंटाइल से ऊपर लेंगे जेई एडवांस में क्लियर करेंगे और फटे चक देंगे वेरी गुड लिख दे दो लिखना पड़ेगा सबको ये मोटिवेशन हाई करनी पड़ेगी देखो अच्छे सवाल पे जाने से पहले अपने आप को थोड़ा अलाइन करना पड़ता है पुश करना पड़ता है कि इतनी तैयारी करनी है तो हम यहां पहुंचेंगे तो तैयारी रुकनी नहीं चाहिए राइट गॉड ब्लेस यू शाबाश अब देखो फाइंड बी सच दैट एफ एक्स हैज मैक्सिमा एट सॉरी मिनिमा एट एक्स इक्वल टू थ्री ठीक है कहता थ्री पे मिनिमा आना चाहिए तो बी बताओ बेटा इसका एक मैं तुमको शॉर्टकट बताऊंगा भैया ये लगा देना आंसर आ जाएगा एक मैं तुमको प्रॉपर एनालिसिस करके बताऊंगा कि इसको सोचना कैसे था पहले शॉर्टकट देखना चाहते हो या पहले कंप्लीट एनालिसिस शॉर्टकट या सॉल्यूशन यही है बेसिकली बट इसको समझने से पहले एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है तो सबसे पहले शॉर्टकट सीधे बता दूं

थ्री माइनस एटीन माइनस फिफ्टीन ये मिनिमा कब होगा जब इसके राइट right की वैल्यू और लेफ्ट की वैल्यू इससे बड़ी होगी नो yes no. बोलो ये मिनिमा कब होगा जब इसकी राइट right की वैल्यू और लेफ्ट की वैल्यू इससे बड़ी होगी तो ही तो ये मिनिमा होगा राइट right की चिंता तो तुम करो ही ना बेटा एक्स माइनस एटीन है ऊपर की ओर जा रहा है स्लोप वन है ना ऊपर की ओर जा रहा है ऑल यू वॉन्ट इज की अपनी लेफ्ट की वैल्यू जो बैठी ना इससे वो इसे बड़ी हो लेफ्ट की वैल्यू इसे बड़ी होनी चाहिए सो जस्ट मेक इट लेस दे पे है तो अगर आप चाहते हो कि थ्री पे मिनिम आए ऑल यू वॉन्ट इज एफ ऑफ थ्री शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ थ्री नेगेटिव सवाल खत्म तो माइनस फिफ्टीन शुड इक्वल टू थ्री के लेफ्ट पे वैल्यू क्या आएगी थ्री पुट करो ट्वेल्व माइनस नाइन प्लस बी यहां से बी निकाल लो सवाल खत्म फिनिश्ड थ्री माइनस एटीन तो बी शुड बी इक्वल दू माइनस एटीन तो जब तक आपका बी माइनस एटीन से बड़ा रहेगा थ्री पे मिनिमा आता ही रहेगा खत्म शॉर्टकट इतना सही है बस ये दो लाइनों का सर बट एनालिसिस तो करना जरूरी है क्योंकि हो सकता है वो इस सवाल में खेल जाएं थोड़ा और दिमाग लगवाएं तो आओ एनालिसिस करते हैं देखो यार एनालिसिस के लिए आपको इसका थोड़ा सा ग्राफ बनाना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से समझ पाओ ठीक है आओ ग्राफ बनाते मैं एक एक्स एकस एक्सिस भी बना दूसरे जरूरत नहीं चलो बना देते चलो एक्स फंक्शन है एक्स माइनस एटीन थ्री पे वैल्यू है माइनस फिफ्टीन तो ये थ्री पे माइनस फिफ्टीन वैल्यू है ऐसे और ऊपर की ओर जा रहा है डू यू ऑल एग्री दिस इज द ग्राफ टू द राइट ऑफ थ्री x माइनस एटीन ये रहा ग्राफ थ्री के राइट पे अब आते हैं थ्री के लेफ्ट पे क्या हो रहा है अब बेटा ध्यान देना लेफ्ट पे है एक क्वाड्रेटिक प्लस सम कांस्टेंट डू यू ऑल एग्री कांस्टेंट का काम सिर्फ ग्राफ को ऊपर करना या नीचे करना होता है डू यू ऑल एग्री फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी अगर मैं बात करूं इतने ग्राफ की तो ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक है जो कि ऐसा होता है इसके रूट क्या रहे हैं जीरो और क्या रहा फोर ऐसा ग्राफ है ये बेटा और इसका टिप आ रहा है माइनस बी बाय टू ए पर यानी कि टू पर ऐसा ग्राफ है ये सिंपल है इन्वर्टेड क्वाड्रेटिक बचपन से सीखते आ रहे हो मुझे इसका ग्राफ चाहिए था टू से थ्री में सिर्फ टू से थ्री में चाहिए था ग्राफ मेरे को तो बाकी ग्राफ मिटा देते हैं टू से थ्री में रख लेते हैं तो बेटा जी टू से थ्री ऐसा ग्राफ होगा राइट बाकी ग्राफ में टू से थ्री में ग्राफ अब आपने किया प्लस बी बेटा प्लस बी क्या करेगा अगर बी पॉजिटिव हुआ तो ये बी यूनिट ऊपर चला जाएगा और अगर बी नेगेटिव हुआ तो ये बी यूनिट नीचे आ जाएगा डू यू ऑल यही करता है कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट अगर ऐड करो तो ऊपर चला जाता है फंक्शन सब करो नीचे चला जाता है फंक्शन तो आओ जरा थ्री पे वैल्यू देख लो क्या इसकी थ्री पे वैल्यू है माइनस नाइन प्लस ट्वेल्व थ्री थ्री पे वैल्यू थ्री ही है ओके ऐसा ग्राफ है ये तो अगर तुम यहीं पे ग्राफ बनाओ ऐसा ग्राफ बेटा ये ओपन थ्री पे वैल्यू थ्री अब तुमने इसमें बी ऐड किया बी इसको क्या करेगा थ्री प्लस बी अगर बी नेगेटिव होगा तो ये फंक्शन नीचे चला जाएगा बी पॉजिटिव होगा तो ये ऊपर चला जाएगा तुम क्या चाहते हो क्या तुम ऐसा चाहते हो कि ये ब्लू पार्ट ऐसा हो जाए ये चाहते हो क्या तुम बताओ द चैट अगर ब्लू पार्ट को मैं नीचे लेता गया लेता गया लेता गया यहां पे ले गया तो क्या अब थ्री पे मिनिमा आ रहा है तो क्या अब थ्री पे मिनिमा आ रहा है नहीं सर थ्री पे मिनिमा अब नहीं आ रहा अपने लेफ्ट से ये बड़ा हो गया अपने लेफ्ट से बड़ा हो गया अच्छा आ, यहां तक चलेगा हां सर अभी तक तो चलेगा अभी तक ये वैल्यू अपने लेफ्ट से छोटी है यहां तक चलेगा हाँ सर अभी भी चलेगा अभी भी ये वैल्यू लेफ्ट से छोटी है पर क्या अब चलेगा अब नहीं चलेगा सर अब वो वैल्यू नीचे चली गई तो वट यू वॉन्ट इज कि नीचे ना जाए उसके ऊपर ही रहे वो तभी थ्री पे मिनिमा आएगा बोलो आ गया मजा तभी थ्री पे मिनिमा आएगा बोलो छा गए पॉइंट क्लियर हो गया तो जब तक ये वाला पार्ट इस पॉइंट से ऊपर रहेगा तब तक तो थ्री पे मिनिमा आएगा और अगर ये पार्ट नीचे चला गया तो थ्री पे मिनिमा नहीं आएगा तो ऑल यू वॉन्ट इज कि ये वाली जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस फिफ्टीन रहे और वही तो आपने किया कि ये वाली जो वैल्यू है माइनस फिफ्टीन से ग्रेटर देन इक्वल टू रहे ठीक सो क्लास के बाद आपने इसको रिपीट जरूर करना इस पार्ट को दोबारा देखकर थोड़े पांच मिनट और लगाकर इसको अच्छे से पी जाना है ओके okay. तो ये इसका एनालिसिस था जाओ ये बड़ा ही प्यारा सवाल है यार ये थोड़ा मेन से ऊपर चला गया अब ध्यान सुना ये मेन से ऊपर चला गया एक बात बताओ ध्यान से बताना बड़ा ही प्यारा सवाल है ए से ओके ए बी सी अगर मैं तुमको पूछूं अगर मैं तुमको पूछूं कि इतने पार्ट में इतने पार्ट में एफ की मैक्सिम वैल्यू क्या आ रही है बता सकते हो ए से एक्स वन में सिर्फ ए से एक्स वन में पूरे में नहीं पूछ रहा ए से तक F की वैल्यू क्या डू यू ऑल एग्री एफ ऑफ एक्स वन है, है? है? शाबाश अगर मैं तुमसे पूछूं ए से बी तक ए से बी तक एफ की मैक्सिम वैल्यू क्या है बता सकते हो सर एफ ऑफ बी है एफ ऑफ बी है अब ध्यान देना अगर मैं पूछूं, ए से लेकर एक्स टू तक मैक्सिम वैल्यू क्या है ए से लेकर एक्स टू तक मैक्सिम वैल्यू क्या है बता सकते हो सर एफ ऑफ बी ही है एफ ऑफ बी ही है वेरी गुड अब इससे आसान केस पढ़ो इससे आसान केस पकड़ना है अब अब ध्यान से जवाब देना आसान वाला केस पूछ रहा हूं ए बी तुम मानते हो अगर मैं तुमसे बोलूं कि ए से लेके एक्स तक बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी तो तुम्हारा जवाब होगा सर एफ ऑफ एक्स डू यू ऑल एग्री अगर मैं तुमसे पूछू ए से एक्स तक मुझे मैक्सिमम वैल्यू बताओ तो आप बोलोगे एफ ऑफ एक्स और बहुत ऑब्वियस है ना फंक्शन ऊपर की ओर जा रहा है तो अगर मैं किसी भी इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू पूछता हूं तो वो राइट पॉइंट पे ही आएगी अब सवाल को ध्यान से पढ़ो मैक्सिमम ऑफ जी टी वेट इज लेस देन इक्वल टू एक्स और जी एक्स ये रहा सिर्फ सवाल की लैंग्वेज गंदी सवाल बहुत कटिया ध्यान से लिखना मैंने पहले जी एक्स को पकड़ा और उसको एनालाइज किया एनालाइज मतलब ये देखा कि फंक्शन ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है कैसा है डेरीवेटिव निकाला इसका डेरीवेटिव जो आया वो आया क्वेड्रेटिक जिसका कि ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव है और वो हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक में अगर ए पॉजिटिव हो डी नेगेटिव हो तो वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब जी जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो अगर जी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आता है समझ कि अगर मैं x तक पूछूंगा मैक्सिमम वैल्यू बताओ तो वो x पे ही आएगी चमक पॉइंट आए नजारे चमक गया तो अगर मैं पूछूंगा मुझे x तक की मैक्सिमम वैल्यू बताओ तो तुम कहोगे सर x पे ही मैक्सिमम वैल्यू आएगी तो उसने लैंग्वेज को गंदा बना दिया सवाल बहुत ही घटिया है सवाल ये है कि एफ एक्स जो है वो जी एक्स के बराबर है जब तक मेरा एक्स लेस देन जीरो है और वो थ्री माइनस एक्स के बराबर है जब मेरा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और अब वो घटिया सा सवाल पूछ रहा है मैक्सिमम मिनिमम बता दो और तुम खुद बताओ क्या तुम एफ का ग्राफ नहीं बना सकते मजे से बना सकते हो ये तो तुमको पता ही है ऑलवेज इंक्रीजिंग आया है बेटा हमेशा तो यानी कि जब तक एक्स नेगेटिव है फंक्शन ऊपर ही जाता जा रहा है जब तक एक्स नेगेटिव है फंक्शन ऊपर ही जाता जा रहा है जीरो पे वैल्यू क्या आएगी वन एक्स को जीरो पुट करो इसकी वैल्यू वन है बट बी केयरफुल ये ओपन आएगा कौन बताएगा कि मैंने ओपन क्यू बनाया है ये मैंने ओपन क्यू बनाया यहां पे कौन बताएगा मैंने क्लोज क्यों नहीं किया उसको जीरो वैल्यू अटेन नहीं हो रही एक्सल लेस देन जीरो के लिए ये है जीरो पे वैल्यू ये नहीं है इस करके यहां पे ओपन आया वो हो तुम कैंट और छा गए और उसके आगे का ग्राफ बेटा तो तुम सोए सोए भी बना दोगे थ्री माइनस एक्स है बेटा जीरो पे वैल्यू इसकी कितनी आएगी थ्री और किधर की ओर जाएगा नीचे की ओर जगह बची हो तो बनाओ नीचे की ओर देखो जगह बनानी पड़ेगी पहले ऐसे ऊपर गया जीरो कॉमा वन उसके बाद वैल्यू यहां बैठी है जीरो कॉमा थ्री और ये क्लोज है क्योंकि यहां पे इक्वल टू जीरो इंक्लूडेड है नीचे की ओर अब तुम खुद ही बता दो बचपन में भी तुमने पढ़ लिया होगा सर जी इस ग्राफ में एक बात तो क्लियर है मिनिमा कहीं नहीं आ रहा मिनिमा कहीं नहीं आ रहा इधर ये ऊपर ही जाता जा रहा है इधर ये नीचे ही जाता जा रहा है मैक्सिमा आ रहा है यहां पे देख पा रहे हो जीरो पे मैक्सिमा आ रहा है द चैट कितने बच्चे देख पा रहे हैं जीरो पे मैक्सिमा आ रहा है ये अपने लेफ्ट से भी बड़ा है अपने राइट right से भी बड़ा है जीरो पे मैक्सिमा आ रहा है तो इसका मिनिमा कोई नहीं है मैक्सिमा है जो कि जीरो पे आ रहा है डू यू ऑल एग्री कि यहां पे अगर तुम मेथड मूथड ढूंढने लग पड़े तो सवाल नहीं होने वाला कुछ नहीं होने वाला बट अगर आपने एक रफ ग्राफ बना लिया तो सवाल ऐसे हो जाएगा सो लास्ट सेशन में हमने जो रफ ग्राफ बनाने की कला को सीखा है बेटा उसकी और प्रैक्टिस करो उसको बार बार बनाओ जितना अच्छा तुम रफ ग्राफ बना लोगे ये सवाल जो कि कहने को बहुत अच्छे होते हैं मेन से ऊपर चले जाते हैं ये बहुत घटिया हो जाएंगे तुम्हारे लिए बहुत ही घटिया ठीक बोलो बोलो शाबाश आइडिया क्लियर सो लेट मी कंक्लूड हमें फंक्शन ये था ये तो पता लग गया जी एक्स है उसके बाद सिर्फ रफ ग्राफ बना दिया ये मेरा फंक्शन इसको प्लॉट करना है क्या करेंगे जो तो येलो वाला पार्ट है उसको डेरिवेटिव यूज करके प्लॉट करेंगे क्यूबिक है क्योंकि डेरिवेटिव इसका हमेशा पॉजिटिव आ रहा है डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव मतलब येलो पार्ट तो ऑलवेज इंक्रीजिंग है तो हमने इंक्रीजिंग बना दिया ऊपर की ओर जाता हुआ कहां तक जीरो तक और जीरो के बाद क्या हो रहा है सिंपल लाइन लाइन तो मैं बचपन में बनाता था अरे बनाता था मतलब समझो लाइन बनाता था तो जीरो पर वैल्यू थ्री नीचे की ओर बना दिया थ्री एक्स। तो बहुत ही प्यारा सवाल एक मैक्सिमा है और वो है एट एक एक्स इक्वल टू जीरो मैक्सिमा वैल्यू कितनी है थ्री हाँ बिल्कुल जयलक्ष्मी मैं बोलना वही चाहता था बस रुक गया ये समझते हुए कि मैं यूट्यूब पे काफी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ कहीं मजाक को कुछ टेढ़ा मेढा ना ले लिया जाए तो हमने मजाक को अपने अंदर ही दबा दिया यहां दिस फंक्शन हैज मैक्सिमम स्लोप एनालिसिस नहीं चाहिए पर पेशेंस चाहिए और सवाल को समझ के चलने की क्षमता चाहिए उसने फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्लोप पूछा है कितनों को पता लग रहा है बेसिकली ही इज आस्किंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ डैश कितनों को पता लग रहा है उसने ये पूछा है आपसे क्वेश्चन मार्क स्लोप मतलब एफ डैश तो यहां पे वो कह रहा है कि एफ डैश को मैक्सिमाइज करिए तो ठीक है एफ डैश निकाल लेते बेटा एफ डैश एक्स क्या आ रहा है ई पार एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस साइन एक्स इंटू ई पार एक्स ब्रैकेट लगा लगा दो ब्रैकेट साइन एक्स ये आ आप ये आप एफ डैश इसको मैक्सिमाइज़ करना है इसको मैक्सिमाइज़ करना है तुम कंफ्यूज ना हो जाओ इस करके कुछ देर के लिए मैं इसको कुछ जी एक्स कह दूं क्योंकि मैं जब डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लिखूंगा तुमको कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा सो डबल डेरिवेटिव क्यों कर दिया ये इसका रीजन क्या है सवाल तो कहता है एफ डैश को मैक्सिमाइज करो मैंने एफ डैश को नाम दिया जी मुझे जी को मैक्सिमाइज करना है या yes सुनो we need to maximize gx बस ये तो कर दोगे सिंपल फंक्शन है मैक्सिमम पूछा है सिंपल फंक्शन है मैक्सिमम पूछा है कर दोगे आराम से अब तो राइट right? खत्म कर दे सवाल को g डैश निकाल दो या g डैश निकाला e पार x cos x minus sin x और यहां पे आ जाएगा cos x plus sin x into e पार x और ये कंबाइन होके क्या का कट गया बेटा जी साइन कट गया टू कॉज एक्स आ गया ओए ये यहां एक बहुत प्यारा स्टेप आना ध्यान से सुनना ये आपका जी डैश एक्स है बेटा जी डैश को देखकर मैं जी का एक रफ ग्राफ बना सकता हूँ डू यू ऑल एग्री जी डैश को देखकर मैं जी का रफ ग्राफ बना सकता हूँ हाँ सर बना सकते हैं तो जरा ये रहा बेटा इंटरवल दिया है जीरो से पाई जीरो से पाई में देखना है मेरे को सिर्फ ठीक है जीरो पाई ये रहा मेरा जी डैश एक्स जरा मुझे बताओ कि जी डैश जीरो से पाई में पॉजिटिव कब आ रहा है जीरो से पाई में पॉजिटिव कब आ रहा है देखो बेटा मैं तो देखूंगा नेगेटिव पॉजिटिव जी डैश कहां, कहां है उस हिसाब से वो जी को ऊपर नीचे कर दूंगा ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है तो सारा खेल कॉज एक्स का है जीरो से पाई में कॉज एक्स पॉजिटिव कब होता है जीरो से पाई में कॉज एक्स पॉजिटिव कब होता है डू यू ऑल एग्री जीरो से पाई बाई टू में कॉज पॉजिटिव है मुझे जीरो से पाई में देखना है कि जी डैश कहा पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है उसके बेस पे मैं जी को ऊपर नीचे करता जाऊंगा तो ये टर्म तो हमेशा ही पॉजिटिव है इस पे डिपेंड करता है इधर पॉजिटिव पाई बाई तो जी एक्स के बारे में पूछेगा जी एक्स तो क्योंकि यहां पर डेरीवेटिव पॉजिटिव है तो यहां फंक्शन ऊपर जाएगा यहां डेरिवेटिव नेगेटिव फंक्शन नीचे जाएगा तो मेरा रफ ग्राफ क्या बनेगा ऐसा तो क्या आने वाला है पाई बाय टू पे मैक्सिमा आने वाला है यस और नो मैं क्या आगे नहीं जा रहे पाई बाय टू पे मैक्सिमा आने वाला है तो अगर y इक्वल टू जी एक्स की बात करें तो ग्राफ ऐसा बनेगा और पाई बाय टू पे मैक्सिमा आएगा पाई बाय टू पे g की वैल्यू बताओ बेटा पाई बाय टू पे जी की वैल्यू है सर ई पार पाई बाय टू जीरो और ये बन ई पार पाई बाय टू ये आ गया तो स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि एफ डैश की, की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है ई रेस टू पार पाई बाय टू और वो किस पॉइंट पे आ रही है पाई बाय टू पे मानते हो इस सवाल में लैंग्वेज का खेल है वो आपको एफ डैश मैक्सिमाइज करने के लिए कह रहा है तो पहले आप एफ डैश निकालेंगे उसको कुछ जी नाम दे दो फिर उसको मैक्सिमाइज कर देंगे राइट right? ग्रेट अब आता है एनालिसिस ऑफ क्यूबिक ये क्या है देखो ये अपने आप एक टॉपिक नहीं है बट क्यूबिक को लेके मेन याद एडवांस में कुछ चीज़ें बहुत एक्सप्लोर की जाती है एडवांस में ज्यादा की जाती है सवालों के बीच में इंडिपेंडेंट सवाल नहीं सवाल के बीच में एक्सप्लोर की जाती हैं राइट right? तो इस करके इसको मैं अलग से पढ़ा रहा हूं ताकि तुम इसे बहुत स्ट्रांग बन जाओ एंड बाय द वे तुम यहां पे एक कंडीशन पढ़ने वाले हो तुम सारे मुझे क्वाड्रेटिक का बता सकते हो ना कि क्वाड्रेटिक के दो रूट कब होते हैं डिस्टिंक्ट दो इक्वल रूट कब होते हैं नॉन रियल रूट कब होते हैं बता सकते हो पर क्यूबिक का नहीं आता मैथड क्योंकि क्यूबिक का तो हमें कोई ऐसा पता ही नहीं मैथड अभी हम क्यूबिक का भी सीखेंगे इस चीज को सीखने के बाद तुम क्यूबिक का भी बता पाओगे सर इसके थ्री रियल रूट्स आएंगे डिस्टिंक्ट या वन आएगा शुरू करते हैं क्यूबिक का एनालिसिस देखो क्यूबिक एनालिसिस में क्या है हमें ऐसी इक्वेशन को देखना है कि भैया ये कैसा दिखता है ग्राफ देख लिया सवाल खत्म हो जाता है ग्राफ देख लिया सवाल खत्म हो जाता है अब ग्राफ में क्या देखना है डू यू ऑल एग्री इसका जो डेरिवेटिव है वो आने वाला है। डू यू ऑल डेरीवेटिव क्वेड्रैटिक एक्स स्क्टर टू बी एक्स प्लस डेरिवेटिव आएगा, इसके बेस पे आप ग्राफ बनाओगे सुनो कैसे? इसको किया जीरो रूट आ गए अल्फा और बीटा अगर इस क्यूबिक का जो डेरिवेटिव है उसके रूट अल्फा बीटा आ रहे तो दो क्रिटिकल पॉइंट हो अल्फा बीटा दो क्रिटिकल पॉइंट हो गए अगर अल्फा और बीटा डिस्टिंक्ट हैं एंड ऑफ कोर्स रियल हैं तो ग्राफ कैसा दिखेगा हमने ये पढ़ना है अगर अल्फा एंड तो बीटा इक्वल है एंड रियल है तो ग्राफ कैसा दिखेगा हमने ये पढ़ना है और लास्ट अगर अल्फा बीटा नॉन रियल है तो ग्राफ कैसा दिखेगा हमने ये पढ़ना है पढ़ना क्या है समझ आ गया इस टॉपिक में पढ़ना क्या है समझ आ गया राइट शुरू करते हैं आ जाओ सुन मेरी बात जब भी आप क्यूबी को प्लॉट करोगे एक मिनट हां जब भी आप क्यूबिक को प्लॉट करोगे याद रखना इसमें पहला केस बनता है जब ए पॉजिटिव होता है जब भी ए पॉजिटिव है लीडिंग कॉफिशियंट लीडिंग कॉफिशियंट पॉजिटिव है ग्राफ की तीन पॉसिबिलिटी बनती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ऐसा यह कब होगा जब दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे डिस्टिंक्ट दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसा यह कब होगा जब दो इक्वल रूट्स आ जाएंगे यानी कि एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा अल्फा इक्वल टू बीटा और तीसरा उससे पहले मैं इसको ठीक कर दूं टेढ़ा बन गया और तीसरा जब कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा नजर मार लो शाबाश जब भी ए पॉजिटिव होगा ग्राफ नीचे से शुरू होकर ऊपर की ओर जाएगा वो दो जगह पे बल खाएगा अगर दो क्रिटिकल पॉइंट होंगे एक ही बल खाएगा अगर दो यानी कि एक ही क्रिटिकल पॉइंट होगा और बल खाएगा ही नहीं अगर क्रिटिकल पॉइंट आया ही नहीं सो सिंपल बट यहां सिंपल में आगे अभी आगे अभी एनालिसिस चलेगा सर जब दो क्रिटिकल पॉइंट होंगे दो बल क्यों खाएगा बेटा दो जगह डेरिवेटिव जीरो होना है सर जब एक क्रिटिकल पॉइंट होगा तो एक ही बल क्यों खाएगा बेटा क्योंकि एक ही जगह बल खाएगा ना डेरिवेटिव एक ही जगह जीरो हो रहा है और सर जब क्रिटिकल पॉइंट आया ही नहीं तो बल क्यों नहीं खाया बेटा डेरिवेटिव जीरो ही नहीं हुआ तो बल कैसे खाएगा बल खाने के लिए डेरिवेटिव जीरो चाहिए चाहिए फ्लैट पढ़ रहे नेगेटिव होगा उसको अलग से पढ़ेंगे एक बात ऑब्जर्व कर पा रहे हो इसमें आ जाओ पहले वाले में आ जाओ जब दो क्रिटिकल पॉइंट है हमेशा छोटे क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमा आएगा और बड़े क्रिटिकल पॉइंट पे मिनिमा आएगा डू यू ऑल एग्री ग्राफ से दिख रहा भैया मेरे को मैंने कुछ नहीं किया ग्राफ से बता रहा हूं दो क्रिटिकल पॉइंट जब भी आए ग्राफ ऐसा बना और जो छोटा क्रिटिकल पॉइंट है जो पहले आया उस पर मैक्सिमा जो बड़ा क्रिटिकल पॉइंट उस पर मिनिमा हां सर पर सर इसका यूज होगा यस सवाल में यूज होगा आओ इससे पहले कि हम ए नेगेटिव वाले को एनालाइज करें पहले इसका एक सवाल देख लें फिर मुड़के आएंगे नंबर ऑफ रूट्स पे कैलकुलेट करने के लिए सवाल देखो जरा कहां गया इस पे आओ फाइंड ए फॉर विच एफ एक्स हैज नेगेटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा नेगेटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा पॉइंट क्या होता है एक्स का वैल्यू कहता है इसका मिनिमा जो है वो नेगेटिव एक्स पे आना चाहिए तो इस पर कमेंट करिए ध्यान से देखिए इसने दिया हुआ है लीडिंग कॉफिशियंट पॉजिटिव अगर लीडिंग कॉफिशियंट पॉजिटिव है और इसका मैक्सिमम मिनिमा आना है तो पक्की बात है मिनिमा जो आएगा वो बड़े रूट पे आएगा डू यू ऑल एग्री अभी यही पढ़ा हमने मिनिमा जो आएगा वो बड़े रूट पे आएगा बड़े क्रिटिकल पॉइंट पे आएगा तो बेसिकली ये कह रहा है बिगर क्रिटिकल पॉइंट शुड बी नेगेटिव बात गई पहले शुड बी नेगेटिव बस इतना सा सवाल है इतनी बड़ी स्टेटमेंट डरावना एक्सप्रेशन और कंसेप्ट क्या है बिगर क्रिटिकल पॉइंट शुड बी नेगेटिव खत्म कुछ भी नहीं और ये कब सोच पाओगे अगर आपको ग्राफ दिख रहा है अगर आपको इसका क्यूबिक का ग्राफ दिख रहा है तो सोच पाओगे वरना सोच ही नहीं पाओगे वरना डर जाओगे देख के क्या सवाल है ये तो कुछ नहीं करना बेटा इसका एफ डैश जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल दो और जो बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है उसको नेगेटिव कर दो खत्म तो ये आ गया ए एक्स स्क् टू टाइम ए प्लस टू एक्स प्लस ए माइनस वन ये आ गया इसका एफ डैश इसको जीरो करके हमने निकाले रूट तो रूट क्या आ गया बेटा माइनस बी होए एक तो ना ये ऐसे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये या मेरे को दोनों क्रिटिकल पॉइंट चाहिए नो no. मेरे को सिर्फ बड़े वाला क्रिटिकल पॉइंट चाहिए तो मैंने क्या किया सिर्फ प्लस वाला ले लिया क्योंकि तो यही मेरा काम का क्रिटिकल पॉइंट है यही मेरा काम का क्रिटिकल पॉइंट है एंड वट आई वॉन्ट आई वॉन्ट दिस क्रिटिकल पॉइंट शुड बी नेगेटिव लेस देन जीरो सवाल खत्म फिनिश्ड बेटा तो वट यू वॉन्ट ये रूट वाला टर्म जो बन रहा है इसको कैलकुलेशन देख ले क्या बनती है एक फोर तो बाहर आ गया टू टाइम रूट के अंदर बना ए प्लस टू का होल स्क्वायर ए प्लस फोर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए शुड बी लेस देन इसको उधर ले जाओ टू टाइम ए प्लस टू कट निकालना है नहीं निकाल पाओगे सोए सोए भी निकाल दोगे बेटा जी कुछ भी तो नहीं है फाइव ए प्लस फोर का रूट शुड बी लेस देन ए प्लस टू याद दिला दूं जब इन होती हैं तो मजाक मजाक में स्क्वेयरिंग नहीं कर सकते दोनों साइड पॉजिटिव हो तो स्क्वेयरिंग की जाती है और इन सेम रहती है दोनों साइड नेगेटिव हो तो स्क्वेयरिंग की जाती है और इन चेंज हो जाती है पर अगर एक साइड पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो स्क्वेरिंग नहीं की जाती यहां पे माता रान की पूरी कृपा है ये भी पॉजिटिव है और स्क्वेर रूट तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है तो आप मजे से स्क्वेरिंग करके ए निकाल दोगे बोलो आया नजर मजा आ गया आगे नजारे बोलो में फटाफट नजारे आगे बड़ा ही प्यारा सवाल खत्म स्क्वेयरिंग करो ए निकाल दो आगे ना जा रहे कंक्लूड कर रहा हूं फिर मुड़के जाके थोड़ा क्यूबिक को और एनालाइज करेंगे तो कंक्लूजन क्या उसमें है उसने बोला क्यूबिक दे दी गंदी सी पर ए पॉजिटिव दे दिया कहता कि इसका जो मिनिमा है वो नेगेटिव एक्स पे आना चाहिए तो मुझे ए बताओ वो तो मैन का इतनी इतना घुमा फिरा के क्यों लिख रहे हो भैया मुझे पता है कि मिनिमा जो आता है वो बड़े क्रिटिकल पॉइंट पे आता है तो इनडायरेक्टली वो कह रहा है बड़ा क्रिटिकल पॉइंट नेगेटिव होना चाहिए खत्म तो बस बड़ा क्रिटिकल पॉइंट निकाला प्लस वाला ले लिया माइनस वाला नहीं लिया वो छोटा होगा उसको नेगेटिव कर दिया खत्म समझ गया सर जी आई शाबाश अब और एनालाइज करते हैं मुड़के जाके अब इसमें और एनालाइज क्या करना है और एनालाइज कितनों को समझ आता है कि जो थ्री डिस्ट अब हम अब हम जा रहे हैं इस क्यूबिक के नंबर ऑफ रूट्स पे अब जा रहे हैं इस क्यूबिक के नंबर ऑफ रूट्स पे क्या मैं क्यूबिक के नंबर ऑफ रूट्स पे कमेंट कर सकता हूं मुझे क्यूबिक दे दी गई और बोला गया कि यार कंडीशन बताओ कि इसके ना तीन डिस्टिंक्ट रूट आ जाएं या चेक करो कि क्या इसके तीन डिस्टिंक्ट रूट हैं या नहीं है सुनो देखो इन दोनों में तो तीन डिस्टिंक्ट रूट आ ही नहीं सकते डू यू ऑल एग्री ये और ये इन दोनों में तीन डिस्टिंक्ट रूट आ ही नहीं सकते ये ग्राफ जो है एक्स एक एक्सिस को एक ही जगह कट कर सकता है या टच कर सकता है तीन जगह नहीं मीट कर सकता तो हमारा इंटरेस्ट आ गया इसमें ये ग्राफ ऐसा है जो एक्स एक्सिस को तीन जगह कट कर सकता है कब करेगा यह हमने पढ़ना है कब करेगा जब मिनिमा जो होगा वो एक्स एक्सिस के नीचे होगा और मैक्सिमा जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो तीन डिस्टिंक्ट रूट आ जाएंगे डू यू ऑल एग्री वेन मिनिमा वैल्यू एंड मैक्सिमा वैल्यू आर ऑफ ऑपोजिट साइन मिनिमा वैल्यू नेगेटिव हो यानी कि वो एक्स एक्सिस के नीचे हो मैक्सिमा वैल्यू पॉजिटिव हो यानी कि वो एक्स एक्सिस के या तो नजारे तो अगर आपको क्यूबिक देके बोला जाए कि चेक करो इसके तीन रूट हैं या नहीं आपने सिर्फ उसका मैक्सिमा और मिनिमा निकाल देना है अगर मैक्सिमा मिनिमा ऐसे हैं कि एक नेगेटिव आ रहा है एक पॉजिटिव आ रहा है तो तीन रूट होंगे अगर मैक्सिमम मिनिमम तीनों पॉजिटिव होते दोनों पॉजिटिव होते फिर क्या करते फिर कितने रूट होते बेटा कहता ये वैल्यू भी पॉजिटिव है और ये वैल्यू भी पॉजिटिव है तो देख पा रहे हो इस केस में ये दोनों ही पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर हैं, तो एक्स एक्सिस यहां पे होगा तो कितने रूट आएंगे एक ही रूट आएगा एग्जैक्टली exactly. तो याद रखिए क्यूबिक का जब आपको नंबर ऑफ रूट बोला जाए ना आपने फटाफट उसके मैक्सिमा मिनिमा निकाल लेने हैं बस अगर वो नेगेटिव पॉजिटिव है तो तीन रूट दोनों पॉजिटिव है तो एक ही रूट है दोनों नेगेटिव तो भी एक ही रूट भैया, सवाल देखते हैं आप ये पढ़ा दिया तुमको ये देखो सवाल इफ दिस हैज थ्री डिस्टिंक्ट रूट तो कंडीशन बताओ कहता है इस क्यूबिक के तीन डिस्टिंक्ट रूट हैं तो मुझे पे कमेंट करना है तो मैं क्या करूंगा अगर वो कह रहा है तीन डिस्टिंक्ट रूट हैं तो मैं इसका मैक्सिमा और मिनिमा जो है ऑपोजिट साइन के कर दूंगा सवाल खत्म आओ मैक्सिमा मिनिमा निकाल लें पहले एफ डैश निकाला उसको किया जीरो थ्री एक्स स्क्वाइनस ट्वेंटी सेवन इक्वल टू जीरो तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस थ्री इसके क्रिटिकल पॉइंट आ गए माइनस थ्री पे मैक्सिमा आ रहा होगा और थ्री पे मिनिमा आ रहा होगा डू यू ऑल एग्री माइनस थ्री पे मैक्सिमा आएगा और थ्री पे मिनिमा आएगा किसी को शक तो नहीं इस पे देखो फटाफट दिमाग में घोड़े जो घोड़े हैं दौड़ा लो किसी को शक तो नहीं एंड ऑल यू वांट इज ध्यान देना मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू ऑपोजिट साइन की होनी चाहिए तो मैक्सिमा वैल्यू क्या है एफ ऑफ माइनस थ्री उसको निकाल लो एफ ऑफ माइनस थ्री क्या आ रही है बेटा माइनस ट्वेंटी सेवन प्लस एटी वन प्लस क्यू यानी कि फिफ्टी फोर प्लस क्यू और मिनिमा वैल्यू क्या आ रही है मिनिमा वैल्यू निकाल लो ट्वेंटी सेवन माइनस एटी वन प्लस क्यू यानी कि क्यू माइनस फिफ्टी फोर वट डू यू वॉन्ट यू वॉन्ट जो मैक्सिमम मिनिमम आए हैं ये ऑपोजिट साइन के हो ऑपोजिट साइन के हो तो यू वॉन्ट क्यू प्लस फिफ्टी फोर इंटू क्यू माइनस फिफ्टी फोर शुड बी लेस देन जीरो किसी को डाउट किसी को डाउट बिल्कुल नहीं सर बिल्कुल तो ये मैक्सिमा है ये पॉजिटिव होना चाहिए ये मिनिमा है ये नेगेटिव होना चाहिए यानी कि उसका प्रोडक्ट नेगेटिव। तो यहां से क्यू स्क्सिफ्टी फोर नेगेटिव आ गया और आपको बेबी कब से आता ही है तो क्यू शुड लाई बिटवीन माइनस रूट फिफ्टी फोर से लेके प्लस रूट फिफ्टी फोर यहां पर क्यू शुड लाई रूट फिफ्टी फोर अच्छा क्यू स्क् क्यू लेस देन फिफ्टी फोर ऑप्शन है कोई यहां लेस देन आना होगा एक मिनट को ऑप्शन बी दिया इन्होंने और रूट आएगा यार देखो हाँ रूट आएगा बेटा रूट रूट आएगा रूट आएगा, रूट आएगा। फिर और फिफ्टी फोर स्क्वे ओ सॉरी 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 बेटा मैं मैं, मैं मान गया बेटा मैं मान गया मैं मान गया बेटा मेरी गलती है मैं क्या करूं ये छोटी छोटी गलतियां करने की मेरी ना आदत जाती नहीं है भगवान ने बस ऐसी कला दी है मेरे अंदर ये छोटी मोटी गलतियां मैं करता रहता हूं बस बचपन से है तभी कभी मेरा ऑल इंडिया रैंक वन नहीं आ पाया कम वक्त डबल डबल डिजिट तो आ गए रैंक वन कभी नहीं आया मेरा चलो क्या करें आप जिंदगी में भगवान कुछ देता है कुछ नहीं देता जो देता है उससे खुश रहना चाहिए राइट तो ये सवाल बड़ा प्यारा है इसको रिपीट आपने जरूर करना है क्योंकि ये आपके लिए एक नया प्रॉपर एक नई चीज है जो आप पहले से चाहते थे पर आपको पता नहीं थी कि क्यूबिक के भी नंबर ऑफ रूट्स पे आप इजीली कमेंट कर सकते हैं ओके सेम ए नेगेटिव के लिए ए नेगेटिव के लिए ग्राफ उल्टा हो जाता है बस और कुछ नहीं ए पॉजिटिव के लिए ग्राफ ऐसा था ए नेगेटिव के लिए ऐसा हो जाता है अब ये ऊपर से आएगा और नीचे की ओर जाएगा बस इतना ही फर्क है बाकी कोई फर्क नहीं ठीक है जी तो ए नेगेटिव के लिए कोई भी अलग थ्योरी नहीं होती बस ग्राफ एग्जैक्ट उल्टा हो जाता है अब जो मिनिमा है वो छोटे क्रिटिकल पॉइंट पे आएगा मैक्सिमा बड़े क्रिटिकल पॉइंट पे आएगा बस और कोई फर्क नहीं कुछ भी नहीं राइट अब आता है इस चैप्टर का ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट टॉपिक ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट टॉपिक कंकेविटी एंड डबल डेरिवेटिव टेस्ट कंकेविटी यानी कि आपको मैं बोलूं फंक्शन ऊपर जा रहा है आप कैसे बनाओगे तीन तरीके चार तरीके कितने तरीके से बना सकते हो पहला तरीका आप ऐसा बना सकते हो सर जी ऊपर जा रहा है ऐसे बना दिया दूसरा तरीका सर जी ऐसे जा रहा है ऊपर बना सकते हो तीसरा तरीका सर जी ऐसे जा रहा है उपर, डू यू ऑल एग्री अगर मैं आपको बोलूं एक ऊपर जाता हुआ फंक्शन बनाओ तो ये तीन तरीके आपके पास बनाने के स्ट्रेट लाइन बना दोगे ऐसा बना दोगे या ऐसा बना दोगे इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन इसको कहते हैं कंकेव ये दोनों कंकेव शेप्स हैं तो यही हम पढ़ने वाले हैं कंकेविटी और उसी से फिर आगे मेथड आएगा डबल डेरिवेटिव टेस्ट ठीक तो कंकेविटी क्या कहती है भैया ऐसी शेप्स को कंकेव शेप कहते हैं कंकेव दो तरह के पॉसिबल होते हैं बेटा एक तो ये जिसमें से अगर एरो बनाएं तो ऊपर की ओर बने उसको कहते हैं कंकेव अपशेप और दूसरा जिसमें एरो बनाएं तो नीचे की ओर बने इसे कहते हैं कंकेव डाउन शेप खत्म इतना ही होता है हाँ अब इसको थोड़ा एनालाइज करेंगे देखेंगे इसका यूज़ क्या होता है बट शेप यही होती है तो कंकेव अपशेप क्या है जिसमें अगर अंदर की ओर एरो बनाया जाए तो वो ऊपर की ओर जाए डाउन शेप क्या है जिसमें अगर अंदर की ओर एरो बनाया जाए तो वो नीचे की ओर जाए तो जरा तुम मुझे बताओ ये कंकेव अप है या कंकेव डाउन है बताओ अंदर की ओर एरो बनाओ और देखो कि वो नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है नीचे जाएगा तो बोल दो कंकेव डाउन ऊपर जाएगा तो बोल दो कंकेव अप एग्जैक्टली सर इसमें अगर एरो बनाओ तो नीचे की ओर जा रहा है तो ये कंकेव डाउन शेप है अच्छा अब ये बताओ ये क्या है ये कंकेब अप है या कंकेव डाउन अंदर से एक एरो बनाओ अगर एरो ऊपर की ओर जाएगा कंकेब अप नीचे की ओर जाएगा कंकेव डाउन शाबाश सर अगर एरो बनाओ यहां बना दो यहां बना दो यहां बना दो जहां मर्जी बना दो ऊपर की ओर जा रहा है तो ये कंकेब अप खत्म शेप का मतलब यही है इसमें अच्छा अब इसमें पढ़ना क्या पहले अब नया कॉन्सेप्ट सीखने लगे हो फिर से अपने आप को याद दिला दो याद दिला दो अपने आप को सर जी ये करना है हमको फटाफट याद लगाओ अपने आप को सर जी ये करना है हमको फाइनली हमें भी 99 परसेंटाइल क्रॉस करने हैं जैसे पे सुरी 307 बच्चों ने 97 99 परसेंटाइल क्रॉस किए हैं मेन के पहले दो अटैम्प्ट में हर एक दो में से एक बच्चा एडवांस में जाता है लास्ट ईयर 548 बच्चों ने जी एडवांस क्लियर किया था लिख दो वी वी विल विल डू इट गेट बेस्ट रैंक मतलब बात है कि वी विल गिव आर बेस्ट एफर्ट बस ये लिख दो वी विल गिव आर बेस्ट एफर्ट वो एफर्ट में कमी नहीं आनी चाहिए फिर हो सकता है कि आप अपने जो प्रेपरेशन के हिसाब से इनिशियल लेवल के हिसाब से यहां पहुंचे यहां पहुंचे यहां पहुंचे बट इट शुड बी योर बेस्ट दैट इज वॉट इज रिक्वायर्ड तो ये मैं जब भी दिखाता हूं आपको याद दिलाने के लिए दिखाता हूं कि आपको याद रहे कि हमें एफर्ट मारना है हमें यहां पहुंचना है शाबाश गॉड ब्लेस यू तो आओ अब हम कंकेविटी की ओर बढ़े कंकेव आप की अगर बात करें तो तीन शेप्स ऐसी हैं जिनको कंकेव आप कहते हैं या तो ये या ये या ये इनमें एरो बनाओगे ऊपर की ओर बनेगा और कंकेव डाउन की बात आपको बता चुका हूँ पर कंकेव डाउन पर जाने से पहले थोड़ा इसको एनालाइज कर लें थोड़ा सा एनालाइज करते हैं ज़रा इस कंकेव शेप को देखिए और मुझे एक बात बताइए एक बात बताइए इस पॉइंट पे अगर मैं डेरिवेटिव पूछूँ यानी कि इस टेंजेंट की स्लोप पूछूँ तो कितने बच्चे देख पा रहे हैं कि इस टेंजेंट की स्लोप नेगेटिव है कितने बच्चे देख पा रहे हैं बताओ इस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव है यानी कि स्ट्रेंजन की स्लोप वो नेगेटिव है कितने बच्चे देख पा रहे हैं फटाफट बोल दो एफ डैश नेगेटिव आ रहा है देख पा रहे हैं बिल्कुल सर क्योंकि इधर की ओर है तो स्लोप नेगेटिव वेरी गुड अगर मैं यहां पे पूछू कितने बच्चे देख पा रहे हैं कि डेरिवेटिव जीरो हो चुका है हाँ सर ये तो ऑब्वियस है फ्लैट हो गया मतलब डेरिवेटिव जीरो गॉड ब्लेस यू और अगर मैं इधर की ओर पूछूं तो देख पा रहे हो यहां पे एफ डैश पॉजिटिव हो गया है एफ डैश पॉजिटिव तो क्या मैं कह सकता हूं ध्यान सुनना क्या मैं कह सकता हूं कि इसमें एफ डैश जो है वो बढ़ता जा रहा है एफ डैश बढ़ता जा रहा है पहले नेगेटिव था फिर बढ़ता बढ़ता जीरो हुआ फिर बढ़ता बढ़ता पॉजिटिव हो गया अगर एफ डैश बढ़ता जा रहा है इसका मतलब एफ डैश इंक्रीजिंग है और अगर एफ डैश इंक्रीजिंग है तो मतलब हुआ एफ डबल डैश पॉजिटिव है मैं क्या आगे नजारे आगे नजारे एग्जैक्टली exactly. तो यानी कि कंकेविटी का लेना देना डबल डेरिवेटिव से होता है जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो ग्राफ कंकेव अप दिखता है कंकेव अप दिखता है ऐसा या ऐसा या ऐसा आए सारे अच्छा ये मैंने यहां पे बता भी दिया सिमिलरली पीछे चलो अभी एक पॉइंट और समझाना था कंकेव डाउन पे जाने से पहले एक प्यारी सी ऑब्जर्वेशन देखो जिसे लगाकर तुम खतरनाक सवाल ओरली कर सकते हो ऑब्जर्वेशन ये है अगर एक कंकेव अप फंक्शन है ऐसा मान लेते कंकेव फंक्शन ध्यान से देखना बहुत बड़ा प्यारा पॉइंट है ये x1, x2 ये पॉइंट आ गया x1 वन कॉमा एफ ऑफ एक्स वन और ये पॉइंट आ गया x2 टू कॉमा एफ ऑफ एक्स टू अभी आपको मैंने कंकेविटी को डबल डेरिवेटिव से जोड़ना सिखाया अब कंकेविटी का एक बहुत प्यारा कंक्लूजन बता रहा हूं जहां पे आप कंकेविटी को अगर समझते हो तो कुछ खतरनाक सवाल आप ओरली कर पाओगे ध्यान से देखना अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये जो कॉर्ड है इस कॉर्ड का मिड पॉइंट बताओ बता सकते हो हां सर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे यहां पे कहीं आ जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू एफ ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू ओ सॉरी हा एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स टू बाय टू डू यू ऑल एग्री दिस इज मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉड राइट हां अब मुझे एक बात बताना अब आता है मेन पॉइंट अगर मैं वर्टिकली नीचे आ जाऊं ये जो पॉइंट है किसी को दिक्कत तो नहीं अगर मैं इसको x1 वन प्लस एक्स टू बाई टू लिख दू नहीं सर इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1 वन प्लस एक्स टू बाई टू ही है अब है असली पॉइंट बेटा तुमने x पता है और ये जो पॉइंट है ये आपके फंक्शन की वैल्यू है एट x1 वन प्लस एक्स टू बाई टू ये वाली वैल्यू तो क्या मैं कह सकता हूं रादर मैं कहूंगा क्या क्यों बोलू मैं मुझे पता है मैं कह सकता हूं तो मैं कहूंगा कि f की वैल्यू जो x1 वन प्लस एक्स टू बाई टू पे आ रही है वो छोटी होगी एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स टू बाय टू से अभी इसका एप्लीकेशन देखेंगे खतरनाक सवालों में अभी इसका एप्लीकेशन देखेंगे खतरनाक सवालों में शाबाश फॉर कंकेव आपेप सिमिलरली आप तीन पॉइंट के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं सिमिलरली आप तीन पॉइंट के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री इज लेस देन एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स टू प्लस एफ एक्स थ्री बाई थ्री राइट सिमिलरली आप उसके लिए भी लिख सकते हो चार के लिए भी लिखते हो जितनी मर्जी के लिए लिखते जाओ अच्छा एक बच्चे ने सही पकड़ा है पर अभी उसमें हम जाएंगे नहीं पहले इसको खत्म करेंगे इसको दिमाग में रखना चीज मैंने पे लिख भी दी है ठीक है? कंकेव, अप शेप के लिए। Similarly, अगर कंकेव डाउन की बात करें तो यहां पे आ जाता है कि एफ डबल डैश पॉजिटिव होता है एफ नेगेटिव एफ डबल डैश नेगेटिव होता है अगर कंकेव डाउन शेप हो और क्या अब तुम समझ पा रहे हो इसमें उल्टा हो जाएगा आ, यहां पर केब अप के लिए ये था कंकेब डाउन के लिए उल्टा हो जाएगा कितने बच्चे विजुलाइज कर पा रहे हैं? बताओ कितने बच्चे विजुलाइज कर पा रहे हैं? X1, X2, F1, F2. इसका मिड पॉइंट आ गया एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू एफ वन प्लस एफ टू बाय टू और ये आ गया एक्स वन प्लस एक्स टू टू इसके ऊपर चले जाओ यहां पे आ गया एफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू इसमें ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी अब तुमको इसका एक बहुत प्यारा एप्लीकेशन दिखाता हूं बहुत ही प्यारा एप्लीकेशन अगर मैं y इक्वल टू साइन एक्स की बात करूं जीरो से पाई इंटरवल में जिसका कि ग्राफ आपको पता है कि ऐसा होता है ठीक तो क्या मैं कह सकता हूं साइन ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू विल बी लेस देन साइन एक्स वन प्लस साइन एक्स टू बाय टू फॉर एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू बिलोंगिंग टू जीरो टू पाइव डायरेक्टली कह सकता हूं डू यू ऑल एग्री डायरेक्टली कह सकता हूं विदाउट एनी कैलकुलेशन डायरेक्टली कह सकता हूं यह जो वैल्यू होगी साइन एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू वो छोटी होगी इस वैल्यू से जो है साइन ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू और आयुषापाश अब इससे पहले कि अब सवाल पे चले सर उल्टा हो गया उल्टा लिख दिया मैंने साई ओ सर उल्टा लिख दिया मैंने ओ सॉरी सॉरी उल्टा लिख दिया थैंक यू थैंक यू थैंक यू ग्रेटर है थैंक यू थैंक यू थैंक यू की और चलूं थोड़ा सा इसको जनरलाइज कर देते हैं कहा ये।, ये लेस देन या इक्वल होता है सर इक्वल कब हो जाता है बेटा इक्वल तब हो जाता है इक्वलिटी करस वेन एक्स वन एंड एक्स टू आर सेम अब अगर एक्स मै एक्स टू को सेम ही ले लोगे तो ये भी एफ एक्स बन जाएगा टू टू कट जाएगा ये भी एफ एक्स बन जाएगा टू टू कट जाएगा तो अगर एक्स मै एक्स टू सेम ले लोगे तो यहां पे इक्वालिटी आ जाएगी अगर डिस्टिंक्ट लोगे तो इन इक्वालिटी आएगी वेन ठीक एक मिनट ओके आगे देखो अब सवालों में देखें अब क्या इफेक्ट आता है ये सवाल पढ़ो इसको ओरली करने की कोशिश करो ओरली करने की कोशिश करो इसको सिर्फ ग्राफ को दिमाग में रखो सिर्फ ग्राफ को दिमाग में रखो कॉज एक्स जो है जीरो से पाई बाय टू में कंकेव डाउन होता है क्योंकि डाउन होता है तो अब सोचो कि अगर मैं कोई दो पॉइंट ले लूंगा तो यह बड़ा होगा या ये बड़ा होगा कॉस की वैल्यू एक्स वन ऑप्शन ए कॉस की वैल्यू जो है एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू पे वो बड़ी होगी इन कंपेरिजन टू दिस वैल्यू विच इज कॉज एक्स वन प्लस कॉज एक्स टू बाई टू आगे नजर है सॉल्व भी नहीं करना बेटा इनके अगर आप बुक्स में सॉल्यूशन देखोगे अच्छे खासे बड़े दिखेंगे अगर आपको बुक्स में कोई क्वेश्चन मिले ना देखना है अच्छा से लंबे तरीके से सॉल्व करते हैं करना ही नहीं सॉल्व बेटा ओरली कर देना ओरली कर देना है तुम्हें से कुछ बच्चे ना ये सवाल बहुत देखेंगे जब वो बुक सॉल्व करेंगे ये सवाल काफी बुक्स में दिया होता है और अच्छे खासे तरीके से प्रूफ किया होता है हम इसको ओरली प्रूफ करेंगे इनर ट्रेंगल एबीसी विच द फॉलोइंग इज ट्रू एबीसी एंगल्स हैं ट्रायंगल है तो जीरो से पाई में लाइक करेंगे और साइन की बात हो रही है अगर साइन की बात करें जीरो से पाई में साइन ऐसा होता है तो जब कॉर्ड बनेगी साइन की वैल्यू ऊपर होगी और एवरेज नीचे होगा एवरेज नीचे होगा तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इसका जो एवरेज है वो नीचे होगा और जो साइन की वैल्यू है वो ऊपर होगी और देखो बेटा एक ही स्टेप में सवाल हो गया खत्म एक ही स्टेप में सवाल हो गया खत्म ए प्लस बी प्लस सी प्लस थ्री बाई थ्री पाई बाई थ्री साइन ऑफ पाई बाय थ्री इज रूट थ्री बाय टू क्रॉस मल्टीप्लाई थ्री एंड दिस इज योर आंसर बोलो आगे ने जा रहे आगे ने जा रहे गॉड ब्लेस यू तो शार आई एम रियली हैप्पी दैट यू गॉट गुड परसेंटाइज बेटा गुड परसेंटेज सॉरी ओरली बुक्स में इसको सवाल आपको बुक में भी दिखेगा जहां दिखेगा देखना कैसे किया गया है और फिर खुश होना कि तुम इसको ओरली कर सकते हो उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया होगा खतरनाक नहीं क्या क्या करते रहते हैं सो so, आज आपने ये देख लिया है तो आपको पता है एवरेज का वैल्यू आपको अगर कंपेयर करना है दिस इज एवरेज ऑफ साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी तो अगर एवरेज का वैल्यू कंपेयर करना है और आपको पता है कि आपको जो फंक्शन है वो कंकेव अप या कंकेव डाउन क्या है आपको पता है तो आप आराम से कर सकते हो कंकेव डाउन के केस में एवरेज ऑफ वैल्यूज छोटा होता है कंकेव के केस में एवरेज ऑफ वैल्यूज बड़ा होता है ख़त्म ख़त्म गॉड बेटा सो ये सेशन होता है नेक्स्ट सेशन में हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ेंगे जो कि कंकेविटी से ही दिख जाता है कि वो टेस्ट कैसे बनाया गया है पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में एंड कुछ ज्योमेट्रिकल कॉन्स्ट्रेंट वाले प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि स्कूल और जेई दोनों में ही आते हैं वो पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो अगर तक नहीं किया है क्योंकि इसका आपको असाइनमेंट नोट अपडेट रेगुलर मिलते रहते पता लगता था कि क्या हो रहा है कुछ मिस नहीं होता राइट डिस्क्रिप्शन में लिंक आराम से ज्वाइन हो जाएगा जैसा कि मैं कहता हूं लाइक like जरूर किया करो तुम लाइक like करते हो बड़ी खुशी होती है मेरे को शेयर करते हो तो उन दोस्तों तक पहुंच जाता है जिनको इसकी जरूरत है राइट एंड ऑफ कोर्स डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हमारी जो वेदांतु फैमिली है 8.5 पॉइंट फाइव वो लैक हो चुका है आई ज्वाइन विधांतु अबाउट नॉट नॉटांतु जेई चैनल अबाउट एट नाइन मंथ्स बैक उस समय इट वॉज लाइक सिक्स पॉइंट समथिंग एंड आई एम रियली हैप्पी दैट इन फ्यू मंथ्स वी हैव डन अबाउट टू लैक्स सब्सक्राइबर एडिशन एंड मैं चाहता हूँ कि इस साल खत्म होने से पहले वन मिलियन हो ही जाए साल खत्म होने से बहुत पहले हो जाए तो अच्छा लगता है ज़्यादा बच्चों तक हम अच्छी चीज़ों को पहुंचा पाते हैं हमें लगता है हम जो मेहनत करते हैं यहाँ पे आके आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाते हैं तकड़े वाला आपको पढ़ाते हैं गप्पे मारते हैं मज़े करते हैं तो ज़्यादा बच्चों तक वो पहुँच पाए ठीक एंड इसका आपको तो जो डी है असाइनमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो बेटा हर एक सेशन का होता है टेंशन मतलब मैं दिखा भी देता हूँ और जैसे हम पढ़ाते हैं ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं मोर देन अ टीम ऑफ थाउजेंड पीपल वर्क ऑन यू जो आपको रेगुलर तैयारी करवाते हैं लाइव क्लासेस हो पोस्ट क्लास कंटेंट हो रेगुलर टेस्टिंग है डाउट एप सॉल्विंग है एंड इन क्लास डू टीचर मॉडल है राइट right? तो डाउट ऐप को यूज करना बड़ा आसान होता है फोटो खींचो भेजो आपको सोल्यूशन आ जाएगा साथ में चैट शुरू हो जाएगी उस मेंटर के साथ जो आपके डाउट ले रहे होंगे जब तक डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक वो आपसे चैट करके आपको समझाते हैं ताकि आफ्टर क्लास आपका डाउट बचा ना रहे ये बहुत अच्छा डाउट ऐप है क्योंकि पहले बच्चे जब ऑफलाइन में थे तो वो जब डाउट आता अटक जाता था फंस जाता था यहां कोई टेंशन ही नहीं है आफ्टर क्लास डाउट डाउट आया लो राम से निपटाओ कोई टेंशन की बात ही नहीं है और ये आपको रैंक्स लाने है, इस बड़ी तैयारी पूरी करनी है एंड uh, जो है जो बच्चा डीपीपी पूछ रहा है मैं एक बार दिखा देता हूं यहीं पे बेटा होनी तो चाहिए हर एक सेशन में अपलोड हो जाती है सेशन के साथ ही और पीडीएफ जो वो सेशन को रात को अपलोड हो जाता है और पहले इसको पॉज कर देना ये इसकी एक्सरसाइजिंग देखनी बेटा और शांत हो जाए जा, जा। तो आप डिस्क्रिप्शन में आओगे यहां पे डी पी पी ओ, तेरी ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जब मेरे सेशन की असाइनमेंट अपलोड नहीं ना होती मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद बेटा मैं इमीडिएटली आफ्टर सेशन करवाता हूँ मैं अभी करवाता हूँ यार ऐसे कैसे हो गया यार मतलब आई डोंट लाइक दिस थिंग हम इतनी मेहनत करते हैं बच्चों के लिए ताकि उनका बिल्कुल टाइम पे चलती रहे चीज़ें और और यहाँ पे क्या करते हैं बैंकी भाई ओके okay. uh, मेरे आज के सेशन का असाइनमेंट नहीं आया प्लीज़ इसको इमीडिएटली अपलोड करो एंड ट्राई टू मेक श्योर कि ये ऐसा ना हो बार बार ओके थैंक यू भैया जी मजाक है कोई ऐसे कैसे है ना असाइनमेंट बच्चे का कैसे नहीं आया तो यहाँ पे असाइनमेंट आ जाएगा अभी विद इन फाइव टेन मिनट्स आप यहाँ पे क्लिक करके उसको एक्सेस करिए और सॉल्व करिए अच्छे से एंड जो मैंने बिगिनिंग में कहा था आप में से जो बच्चे के के लिए एस्पायर कर रहे हैं वो इस क्लिक को क्लिक करके आप आराम से क्रैश कोर्स कर सकते हैं ये किसको करना है जो भी ट्रैक पे चल रहे है जिनका कोई लैग नहीं है के आपको एडवांस की तैयारी से भी थोड़ा सा अच्छे लेवल पे रहती है मिक्सचर हो जाता है थोड़ा सा तो मैथ में थोड़ा सा ओलंपियाड का टच आ जाता है जेई का टच भी आता है फिजिकमिस्ट्री में लेवल थोड़ा हाई चला जाता है यानी कि जेई एडवांस टाइप चला जाता है तो जिसकी तैयारी ट्रैक पे है वो अगर क्रैश कोर्स चलेगा उसकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी मतलब कैट हो जाएगी पर जिसका लैग है वो यहाँ पर क्रैश कोर्स में ना जाए क्योंकि फिर वो लैग जो होगा वो और तंग करेगा समझ आने में दिक्कत होगी आपको ठीक तो आपने अपनी तैयारी के मुताबिक इसको कर लेना है बाकी आप में डेडिकेशन है पढ़ सकते हो बहुत ज़्यादा तो चाहे है तो भी ज्वाइन करो और बहुत ज़्यादा पढ़ो पागलों की तरह ठीक एंड uh, जहाँ तक सब्सक्रिप्शन की बात है बेटा ट्वेल्थ में हो तो ये रहा आपका लिंक और अगर आप ड्रॉपर हो तो आपका ये रहा लिंक ठीक है और फिर uh, आप ट्वेल्थ में हो आपने इसको क्लिक कर देना आराम से और यहाँ पे आपने अपने चॉइस कर लेनी कि आपको क्या चाहिए लाइट क्लासिक या प्लस इसमें सब कुछ है इसमें डाउट ऐप एक्स्ट्रा आ जाती है आफ्टर क्लास आप डाउट ले सकते हो और इसमें पर्सनल मेंटर आ जाते हैं एक्स्ट्रा आपको सेशन के बाद पूरा दिन अगर एक बंदा चाहिए जो आप पे फोकस करे आपके रिजल्ट एनालाइज करे आपको बताए कि आप कहाँ पे गिर रहे हो उसके लिए क्या आपको सॉल्व करना है आपके डाउट ले आपको वन टू वन सेशन दे ताकि आपकी कोई भी चीज रह ना जाए तो आपको ये लेना है ठीक है तो आप चूज कर सकते हो कि आपको पूरा कोर्स लेना है या वन मंथ ट्रायल लेना है मेरा सजेशन रहता है था कि आप इस समय आपको डिले नहीं करना चाहिए आपको कोचिंग लेने में आपको ज्वाइन कर लेनी चाहिए ठीक है अगर आप फुल कोर्स लोगे तो आपको वी का पार्ट बना दिया जाएगा अभी वी ओपन है एंड uh, अगर आप वन मंथ करना चाहो तो आप पहले वन मंथ ट्राई करके देख सकते हो आई स्ट्रांग रिकमेंड अगर आप कोचिंग अभी तक शुरू नहीं किए तो आप इसको जरूर करो इसमें यू आर गोइंग टू लव इट ठीक है तो अपने आप कूपन कोड लग जाता है तुम्हारे भाई का एवी के प्रो तुम्हारा भाई प्रो है तो ये आपका प्राइस रहेगा आप आराम से पेमेंट करो जैसे ही पेमेंट कर दोगे आपके ही अकाउंट में आपको वेदांतो डॉट कॉम पर आपके दिख क्लासेस दिखनी शुरू हो जाएंगी विद इन टू थ्री डेज आपको कॉल आ जाएगा सैम से सैम होता है स्टूडेंट एकेडमिक मेंटर जो कि आपको गाइड करते हैं कि इंटरफेस को कैसे यूज़ करना है क्लासेस कैसे लगानी है कोई दिक्कत आए तो कैसे किसको कॉन्टैक्ट करना है वो सब चीज़ें समझाएंगे आपको ठीक सर हम एक मंथ का ट्रायल अक्टूबर में लेते तो हम के वी की पुरानी क्लासेस एक्सेस कर पाएंगे नो बेटा ऐसा नहीं होता <laughs> आइडिया तो अच्छा लगाया था तुमने <laughs> पर यह हो नहीं पाएगा पिछली क्लासेस नहीं आएंगी अगर आप लॉन्ग ट्रैक बैच ज्वाइन करते हो तो लॉन्ग ट्रैक की पिछली क्लासेस आएंगी आपके पास वो भी बेटा पिछली क्लासेस क्यों जब आप बैच ज्वाइन अक्टूबर में तो शायद नया बैच नहीं शुरू होगा वैसे नहीं अगर आप सितंबर में करोगे सितंबर में भी एक बैच शुरू होता है तो आपको फ्रेश बैच दिया जाएगा पुराने बैच में क्यों जाना चाहोगे जाना चाहो तो ट्राई कर सकते हो आप आप जैसे आप अभी आप एडमिशन लेते हो तो आप पिछले बैच में जा सकते हो अपने सैम से बात करके कि मेरे को इस बैच में डाल दीजिए बट हाँ फिर उसमें आपका कुछ चैप्टर निकल चुके होंगे वो आपको मैनेज करने पड़ेंगे अदरवाइज अगर आप अभी एडमिशन लेंगे तो मंडे को नया बैच शुरू होगा आपको उसमें रखा जाएगा फ्रेश बैच में रखा जाएगा ताकि आपको कुछ ना रहे फिजिक्स लवर आई डाउट दैट वो पॉसिबल नहीं होता ठीक है ओके और सब ठीक है क्या एंट है कोई दिक्कत तो नहीं जिंदगी में फिर चला जाए सर तो बी एड बनाओ बी एड आई कहाँ बेटा अभी तो आई तो ट्रिम किया मैंने ऐसा मत बोलो यार लैंग्वेज हिंदी यस बेटा आपको हिंदी बैच और इंग्लिश बैच दोनों का चॉइस मिल जाता है एंड uh, मैं देख भी देता हूँ अभी जो लास्ट शुरू हुआ था वो कौन सा बैच था हिंदी था या इंग्लिश था uh, एक मिनट अगर ट्वेल्थ की बात करें तो जो लास्ट बैच शुरू हुआ था वो हिंदी प्लस इंग्लिश हुआ था बेटा लास्ट बैच जो था हिंदी प्लस इंग्लिश का मतलब कि उसमें लैंग्वेज थोड़ा मिक्स रहता है इंग्लिश हिंदी का मिक्सचर रहता है द वे वी यू नो नॉर्मली टीचर्स टीच इन इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स नॉर्मली इन द स्कूल सो दैट इज़ द वे तो वो लॉन्च हुआ था हिंदी प्लस इंग्लिश का एंड जो हिंदी बैच होता है उसमें सब कुछ कंटेंट इंग्लिश में होता है बस बोलने का लैंग्वेज हिंदी रहता है ऐसे हम मैं जैसे मैं पढ़ाता हूँ वो रहता है और इंग्लिश बैच में बोलने का लैंग्वेज भी इंग्लिश ही रहता है लास्ट बैच जो शुरू हुआ था वो नाइन्थ अगस्त को शुरू हुआ था यानी शुरू होना है सॉरी नेक्स्ट जो बैच है वो नाइन्थ अगस्त को शुरू हो रहा है जैसे मैंने कहा कि मंडे को शुरू होगा आपका बैच तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो ठीक ओके ओके तनिष बेटा वी विल वेट बेटा तब तक ओके सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द डे तुम मजे करो जिंदगी में पढ़ते रहो सीखते रहो जितना पढ़ोगे सीखोगे आगे जाओगे अकेला पढ़ोगे तो भी आगे नहीं जाओगे अकेले मजे करते रहोगे तो भी आगे नहीं जाओगे तो मज़े करना और सीखना पढ़ना ये इकट्ठे एक, एक, एक साथ चलने चाहिए सीखते रहोगे मज़े करते रहोगे जिंदगी में बहुत आगे जाओगे ठीक है सो गॉड ब्लेस यू ऑल टेक केयर खुश रहो और फिर से जल्दी मिलते हैं ओके श्रीकांत मैंने बता दिया आपको क्या क्या अवेलेबल है बेटा ठीक है आप उसके मुताबिक देख लीजिए ओके गॉड ब्लेस यू